needles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तनु भाई आप खेल सकते हो इफ यू आर क्वालिफाइड, अदरवाइज यू नीड टू रजिस्टर फॉर द नेक्स्ट टूर्नामेंट।
ब्रो ये 10,000 रुपीज प्राइस पूल का एक टूर्नामेंट है, ये सेमीफाइनल से आज क्वालिफायर्स एंड क्वार्टर फाइनल्स ऑलरेडी हो गया, सो इसे रजिस्टर्ड टूर्नामेंट ओपन रूम नहीं है, तो आप नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए रजिस्टर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे डिस्कॉर्ड का लिंक है, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। नेक्स्ट टूर्नामेंट भी 10,000 का ही होगा। तनु भाई रजिस्टर्ड मैच है, इधर ओनली क्वालिफाइड प्लेयर्स विल प्ले। आई थिंक आप
क्वालिफाई किए, आई आई डोंट नो, आप तो खेले, पार्टिसिपेट किया आपने, तो आप क्वालिफाई किया तो आप लोग आप ज्वाइन कर सकते हो।
हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट बोल रहा है। हम रिप्लाई नहीं करेंगे, गुड नाइट बोल रहा है बंदा। चलो ब्लू आर्मी, ब्लू प्राणी देखो। गेमर बॉय, तुम ब्लू प्राणी हो ना, बुलबुल को वेलकम कर दो। नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, छोड़ो। गुड मॉर्निंग अमन भाई, सार मत बोलो, पहले देसी बोल रहा हूँ, सार मत बोलो। हाँ, मैंने गेमर भाई बोला, गेमर भाई उसके घर पे बात कर रहे हैं किसी के साथ। वेलकम टू द स्ट्रीम, 3 more minutes लेफ्ट आफ्टर विच विल स्टार्ट आवर फर्स्ट मैच ऑफ सेमीफाइनल्स एट इरंगल, ग्रुप ए का। आज सीन थोड़ा अलग है, आई थिंक हम 3 स्टेप्स में स्ट्रीम को कवर अप करेंगे। 3 स्टेप्स इन द सेंस, अभी एक मैच होगा, इमिडिएटली और एक मैच होगा, उसके बाद 1 घंटे का गैप है। तो मैं सोच रहा हूँ तब मैं 1 घंटे के गैप में तब स्ट्रीम बंद कर दूंगा और फिर नेक्स्ट ग्रुप के लिए और एक स्ट्रीम क्रिएट करूँगा। मैं चली बुआ के घर, मेरे घर की लेडीज़ का फेस, लेडीज़ का फ्री ड्राइवर हूँ मैं। हाँ, क्या बोल रहे हो प्रशांत? ओके 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 ओके। हाँ, ये लेवल भी कम है, 36 का है। हाँ, गिक कर दे, गिक कर दिया। जो भी है, लेवल 36 का है भाई, ऐसे भी क्यों हुआ? हाँ, 6 था वो। अमन भाई, क्या हाल चाल? आपका गेमिंग चैनल कहाँ तक पहुँचा? आप तो बहुत सीरियस थे तब जब बात कर रहे थे। आप भी चैनल खोलोगे गेमिंग में, नया खोलोगे या पुराना खोलोगे? नुब्रा वेलकम तक। अरे किसको? ओके बारह तो बज गया, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, बोलो कहाँ पे यार? वो 30 बोल रहा था ना। हाँ चलेगा, वो चलेगा। ओके ओके। हाँ, इतना दूर तक है आप? कंडीशन, हाँ, एक बंदा लगे रहो उसके पीछे। क्या को तो इन्वाइट किया, स्लॉट भी खोला। मैं इन्वाइट किया था उसको इमीडिएटली। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रूम स्टार्ट कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट सब कुछ चेक कर लिया मैंने। मतलब
कितना बोर्ड्स है? अच्छा आप एक बार शेड्यूल चेक कर लो, हर एक चीज का शेड्यूल चेक कर लेना। अरे इसकी बात नहीं कर रहा, ये कर रहा है टाइम की बात कर रहा है। 6:40। हाँ, अच्छा ये देखो स्लॉट 1 एंड 2 इज एम्प्टी, एम्प्टी रहेगा क्या? हाँ स्क्रीनशॉट लिया तुमने? चलो लेट्स गो। कागू तो नहीं आया। डस्ट ब्लू प्राणी लोक, डस्ट नहीं दुष्ट। ठीक है तो वी आर इन द सेमीफाइनल्स ऑफ ग्रुप ए। आज भाई मजा आएगा क्योंकि सेमीफाइनल्स है, क्वार्टर फाइनल्स में इतना भसर मची थी, आज तो भाई भसर का भसर मचेगा, भसर का भोसड़ा हो जाएगा। प्लेन पथ आ गया है फ्रॉम हॉस्पिटल टू स्टेलवर। फाइन लेट्स सी, 63 बंदे, 16 टीम। कॉन्फिडेंशियल का टैग हटा देते हैं। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज सेमीफाइनल्स है बट स्टिल वी आर कंडक्टिंग जस्ट 2 मैचेस। फाइनल्स पे ज़्यादा मैच करेंगे बट सेमीफाइनल्स और क्वार्टर फाइनल्स दो दो मैच करके ही इवैल्यूएशन होगा। बंदे लोग उतरना चालू हो गया। जॉर्जो की दोनों साइड पे बिल्कुल क्राउडेड रहेगा एज पर द इंडिकेशंस ऑफ द प्लेयर्स। टोटल 1 2 3 4 स्क्वाड्स जा रहे हैं। बीच हो गया एक बंदे का। दूसरे के थोड़ा नेक हाक दिया था मेरा बट नो पीछे ठीक हो गया। मैं डर गया था, मैं नेट मत हाको। ऐसे सेमीफाइनल फाइनल जब आते तब नेट हाकना चालू होता है अपना, ये उनकी रिचुअल है अपने नेट का। और इधर बोल रहा था जस्ट नाउ चार टीम से दो टीम देखो क्या इवेंटली भाई मस्त, ऐसा नहीं है भाई तीन टीम एक साथ एक टीम अकेला, दो दो टीम करके अपनी पेयर्स में वो लोग पैर में गुम हो गया। और इधर भी दो टीम्स जा रहा है जो कि दोनों की दोनों पैराशूट में ही है विच बिलोंग टू 13 एंड 16। काम इसकी कि बिंदास एक टीम गया है, अकेला टीम है, आराम से लुटेगा, पेट फूल करके फिर आएगा आके फाइट लेगा। और इधर आई थिंक ऑलरेडी एक फाइट छेड़ दिया उन लोगों ने, हाथ में है UMP एंड AKM आई बिलीव सो। AKM या फिर S12 के होगा, दूसरा गाने दिख नहीं रहा मेरे को अच्छे से। और दूसरे बंदे इधर बात करेंगे तो टीम नंबर 3 एंड नंबर 7 मिल गया है M4 विथ M24, परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर ए परफेक्ट प्लेयर। और बाकी टीम्स आई थिंक दिस टीम विल इज हेडिंग
आउटसाइड दिस जोन, और एक बंदे को दे दिया है नॉक दिस ब्लेड रोहित, उनका नाम। अगर ब्लेड रोहित की बात करेंगे तो इधर है क्या भैया, इधर नहीं है, इधर है क्या भैया, इधर भी नहीं है आई थिंक, इधर ओके नॉक फिनिश दे दिया है ये बंदा, इधर रोहित को दे दिया नॉक फिनिश विद हेल्प ऑफ कर। और उस टीम की बात करेंगे तो ये रहा जो कि गाड़ी से जा रहा है, जिसने फिनिश दिया है, पीछे से आ रहा है टैप टैप का पर, बट नो वरीज बंदे ने एक की ऑलरेडी स्कोर कर लिया अपनी टीम के लिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार गेम प्ले। और कोई नॉक नहीं, आई डोंट थिंक सो। और ये जो टीम है जिसकी तरफ से बंदा मर गया, ये रहा वो टीम, और एक बंदे को दे दिए एरन को दे दिए है नॉक, और फिनिश भी दे दिए इमीडिएटली एंड ओके। बंदा आई थिंक ऑफलाइन कुछ ना कुछ होगा, देख सकते हो ग्राउंड पे और कोई बंदा एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ वो बंदा था जो ओपोनेंट की तरफ से था, और ये नंबर 18 था एरन था और नंबर 18 था जेड किट फॉर यू ने दिया, और क्रशर ने किल स्कोर किया। बाकी टीम्स की बात करेंगे तो इधर मुझे बिल्कुल करी नज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, दोनों टीम आमने सामने है, इसीलिए भाई मौका छोड़ेंगे नहीं, हर एक चीज रिकॉर्ड करेंगे। फिलहाल तो और कोई किल फिट का कोई एक्टिविटी नहीं, जब भी किल फिट ऐसे रखते हो ताकि किल फिट देखने के इमीडिएटली उस फाइट की वारदात पे हम लोग पहुँच पाए, और ऐसे घूमते रहेंगे। फिलहाल ब्रिज की इस बार कोई भी टीम नहीं आया, विच इज़ अ गुड थिंग, ब्रिज कैंपिंग नहीं होगा, आलतू फालतू का किल नहीं जाएगा। और यह रहा अपना और एक टीम, ग्राउंड पर जाएंगे तो आप देख सकते हो इस टीम का दो ही बंदा है फिलहाल विजन पे, और एक बंदा ओके फाइन सिटी पे। फिलहाल तो दो स्क्वाड है, और उस तरफ भाई प्रॉपर दो स्क्वाड है, तो टोटल चार स्क्वाड है अराउंड दिस एरिया। जोन बहुत बड़ा है, आराम से बंदे अपने अपना लूट कंप्लीट करेगा और फिर अपने फाइट के लिए खुद को प्रिपेयर करेगा, मेंटली भी और एमुनेशन की तरफ पे भी, इक्विपमेंट्स की तरफ पे भी। हम लोगों ने इधर एक बंदे को विटनेस देखा था जिसके पास M4 विथ M24 है, बहुत ही मतलब प्यारा कॉम्बिनेशन है इन दिस एंगल मैप, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, मिड रेंज, हर एक रेंज के लिए उसके पास कैपेबिलिटीज होंगे। और जैसे कि हम लोगों को पता है, आप लोग आई डोंट नो फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ न्यू स्टेट के लिए, तो न्यू स्टेट इज अपेयरिंग ऑन 11th ऑफ दिस मंथ, और वहाँ पे भाई डेली एक पे एक फीचर दे रहे हैं, और ज़बरदस्त फीचर दे रहे हैं। सबसे फेवरेट फीचर जो मेरा है वो है, जैसे कि ये बंदा भी गाड़ी उठाया तो गाड़ी की ट्रंक में आप अपना एमुनेशन, गन सब कुछ स्टोर कर सकते हो, उसका एक अलग सा स्टोरेज होगा। और लेट्स से आप एक ऐसा प्लेयर हो जो स्नाइपिंग भी अच्छा लगता है एंड एसोल्टिंग भी अच्छा लगता है, सो आपके ट्रंक में एक पार्टिकुलर मतलब एक बहुत बड़ा इन्वेंट्री रहेगा आपका, आपकी बैकपैक से ज़्यादा बड़ा इन्वेंट्री, बहुत ही बढ़िया फीचर है। उसके साथ साथ न्यू स्टेट का जो ग्राफिक्स है वो भी लाइक माइंड ब्लोन ग्राफिक्स है, पीसी लेवल का ग्राफिक्स। देखो अभी इतना इवोल्यूशन हो गया गेमर्स का हमारे इंडस्ट्री में कि सबके पास एक अच्छा खासा डिवाइस आ गया है, अगर नहीं आया तो भाई एवरीवन इज होपिंग फॉर इट वेरी सून, लाइक अगर किसी के पास नहीं है तो वो बंदा प्लान कर ले ऑलरेडी, जो भी गेम खेलता है प्लान, भाई मैं उस डेट को ये करके वो करके एक अच्छा डिवाइस ले लूँगा। तो डिवाइस इज नॉट ए इशू, अभी तो इशू नहीं है क्योंकि सबके पास है भाई इतना एवरेज है, तो जो इशू है भाई ये डेवलपर्स की बात है, ये लोग अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा गेम को, जो कि उन लोगों ने कर दिया फॉर्चुनेटली, जो कि अपना न्यू स्टेट। और आई एम जस्ट होपिंग फॉर कि यह लोग हैकर्स को सीरियसली लेंगे एंड कुछ भी करके, भाई ऐसा नहीं इम्पॉसिबल चीज़ है भाई, कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, जब पैसा हुआ तो क्राफ्टन के पास एनफ फंडिंग है, अब बस वो हैकर्स की एंटी हैकिंग या फिर हैकिंग फ्री कम्युनिटी बिल्ड करें। हम लोगों को ऐसे 40 लेवल 30 लेवल देख देख के चार पांच स्पेक्टेटर बैठा के इतना मतलब सिक्योरिटी हम लोगों की तरफ से ताकि ज़्यादा एफर्ट ना देना पड़े, ये उनका काम है, हमारा काम तो बस मैच कॉन्डक्ट करना है। और नेक्स्ट मैच हम लोग BGMI से परमिशन ले लेंगे टू कॉन्डक्ट मैचेस।
तब तो और भी मज़ा आएगा। तब तो भाई रूम कार्ड की चीज़ गिफ्ट सीन है, 30 डेज का एक रूम कार्ड जाता है जब भाई परमिशन लेते हैं बीजीएमआई से। और इधर सिवान बात करते करते गप्पे मरते मरते टीम नंबर 10 वर्सेस टीम नंबर 5 हो सकते हैं इधर। और 5 की बात करेंगे, 10 तो बिल्कुल अपना गन वन लेके हाथ में है डीपी भाई, बिल्कुल नॉक करके फिनिश करके भाई फिर से और भी 10 गोली मार सकते हैं एक्स्ट्रा, इतना एमओ होता है डीपी के अंदर। तो सामने डीपी लेके टीम नंबर 10 के 2 बंदे टीपीपी ले रहे हैं, और बाकी 2 बंदे की बात करेंगे। इधर मिली है एंड ब्लड ऑक्सीजन है, दूसरे बंदे का नाम है अभी बॉट। चलो अभी बॉट के पास जाते हैं। क्या है भैया? भैया आप अपनी टीम के पास जाओ, हेल्प करो। ओपी हैरी है इधर जो कि गाड़ी लेके जा रहे हैं अपनी टीम के पास, मोस्ट प्रॉब्ली जाएंगे। और ये लोग तो बिल्कुल टीपीपी लेके बैठे हैं, मौका मिलते ही भाई पेल देंगे, कोई चांस ही नहीं है उनका। तीन बार जेनेथ की बात करेंगे, जेनेथ की टीम भी बहुत ही कंसिस्टेंट टीम है और सिस्टमेटिक वे में। आई जस्ट होप कि देर नो एनिमीज इज अराउंड देम, और ये इन्फॉर्मेशन उनके पास होगा तो भाई दे विल बी 100% एयर ऑफ द फैक्ट। और देख देख के स्टेप टीपीपी सरप्राइज इलेवेंट, ताकि ना हो ऐसे ना डीले कितना है। डीले ब्रो मेरी तरफ से 40 सेकंड का है, और यूट्यूब की तरफ से मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट पकड़ सकते हो आप। और ये T2 T3 नहीं है, तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग उसकी तरह। T2 T3 में प्राइस पूल नहीं होता, ये एक टूर्नामेंट है, ये एक एंटरटेनमेंट पे प्रायोरिटी देते हैं, एंटरटेनमेंट बेसिस पे। अगर आपको किसी को टीम को देखना है तो यू कैन आस्क फॉर इट, आई विल स्ट्रेट फॉरवर्ड गो टू दैट गाइड। चलो भाई जेनिथ के टीम तो एक टीम देख सकते हो, मैंने जस्ट बोला इनिशियली कि ये लोग बहुत सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज टीम है। 3 बंदे उधर है और 1 बंदा फ्लैंक करके पूरा सीनरियो का स्पेक्टेट कर रहा है, और आई थिंक ये बंदा ऑलरेडी उसको स्पेकुलेट कर दिया कहाँ पे है उसके एनिमीज। और एलोरा की बात कर सकते हो, देखो आई अब बिल्कुल 100% श्योर हूँ इनको पूरा अंदाजा हो गया कितने बंदे हैं कहाँ पे है। सामने बंदे ओप वाली टीम एग्जिस्ट करता है, और इधर तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है टाइम लगेगा फाइट लेने में। इधर एक फाइट होने की पॉसिबिलिटी है, गाड़ी है 2 टीम दूसरे बंदे के ऊपर थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है एंड बहुत ही प्यारा नॉक फिनिश कर दिया है 2B2R ऑक्टोपस को। और सामने जाएंगे ग्राउंड पे तो हम लोग देख पाएंगे टीम नंबर 4 की अगेंस्ट पे जो फाइट हो रहा है। टीम जेन ने टीम जेन बीएससी को खुद के बंदे को किसी ने नॉक कर दिया है उधर ग्रेड करके। ओके ये खुद के ही टीममेट को नॉक कर दिया है, बट कोई नहीं हम फाइट पे जाएंगे। खुद के टीममेट भाई मस्ती मजाक होते ही रहते हैं, ये लोग अपने आप में संभल लेंगे जो भी मस्ती कर रहे इधर ये लोग। और अभी जो एक स्प्रे है प्यार सा बिल्कुल एक्यूरेट स्प्रे था, नॉक फिनिश हो गया है। टीम नंबर 4 के पास जाएंगे तो दे आर एब्सोल्युटली रशिंग अराउंड, मतलब वो लोग बिल्कुल फाइट लेने के मूड में नहीं है। देख सकते हो एक बंदा अपना ट्रेड हो गया, बट वो लोग रिवेंज लेने के मूड में नहीं है, वो लोग जा रहे हैं एक बेटर चांस के लिए। बट उनकी गाड़ी से धुआं निकल रहा है, पीछे से फायर आ रहा है, पंप टीम नंबर भाई वीएम से बाहर चले गए। लापम हैदराबाद एंड अभी बॉट से मिली ओपी हैरी, एब्सोल्युटली ब्रदर अभी बॉट से मिली ओपी हैरी। वो 2 बंदा जेनिथ टीम के सामने डटे खड़े थे 2-3 किल उठाने के लिए, बट जेनिथ टीम में भी उनको आइडेंटिफाई कर लिया। एंड लेट्स सी द फाइट ऑफ दिस, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू ब्रो, थैंक यू, दैट मीन्स अ लॉट। आप लोग मैं तो डेली बोलते रहता हूँ लाइक एंड सब्सक्राइब, जब आप लोग भी बोलते हो तब मतलब ऐसा फील होता है भाई जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, एंड आप लोग कॉन्विंस हो रहे हो लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। हो सके तो प्लीज़ गाइज शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। देखो अगर अच्छे से काम करूँगा देन आप लोग खुद से ही करोगे, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, बस 1 या 2 बार बोलता हूँ। और कमेंट पे तो आप लोग प्यार देते ही हो भाई, तो कर दो भाई। आज अगर 3.1 के हो जाएगा देन इट विल बी ग्रेट, अदरवाइज नो वरीज, हम लोग अपना काम करते रहेंगे। मैं बस काम पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, रिजल्ट रिजल्ट तो भाई जो डिजर्व कर दो वो मिल जाएगा। काम करते रहो अंधे, जितना टाइम रिजल्ट पे फोकस करूँगा उतना टाइम में मैं और एक काम कंप्लीट कर पाऊँगा, इसलिए काम पे फोकस करो। रिजल्ट आपको आप जो जितना डिजर्व करते हो उससे थोड़ा बहुत कम, बट स्टिल जितना डिजर्व करते हो उतना मिल जाएगा आपको। और हेलो गैंगस्टर करण वाटी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑस्ट्रीम, ये एक बंदा है जो कि डेली ज्वाइन करता है। थैंक्स अ लॉट फॉर बींग अ पार्ट ऑफ आर फैमिली एंड फॉर बींग ए कंसिस्टेंट व्यूअर। बहुत ही जल्द अपना मोनेटाइजेशन ऑन होने वाला है, अभी फिलहाल 3500 वॉच आवर्स है। एंड आज कल जो लाइव स्ट्रीम किया था उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो आज आने के बाद एक्सपेक्टिंग टू बी 3600 मोर 400 वॉच आवर्स, 400 वॉच आवर्स कवर अप कर लेंगे। जब तक कि टूर्नामेंट एंड होगा तब तक कवर अप कर लेंगे, उसके बाद मोनेटाइजेशन ऑन करेंगे। और मोनेटाइजेशन मतलब बहुत एक माइलस्टोन होता है गाइस, हर एक यूट्यूब चैनल के लिए मोनेटाइजेशन इज़ ए की फैक्टर। लाइक कोई भी बंदा आता है चैनल पे, आके देखते हैं भाई ज्वाइन बटन है, तो उनको थोड़ा सा लेजिटिमेसी फील होता है, एक अच्छा वाला
एक बंदा है सूट वूट पहन के, एक बंदा है बॉक्सर में, इट्स लाइक देयर. अगर आपका चैनल अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरा चैनल मोनेटाइज है, इट फील्स लाइक सूट बूट पहन के बिल्कुल जेंटलमैन है. अगर मोनेटाइज नहीं है तो ऐसा लगता है मैं बॉक्सर में बैठा है, बंदा नंगा बंदा, कोई माँ बाप नहीं है उसका. ऊपर से जो क्रिएटर सपोर्ट होता है, कोई भी दिक्कत होता है, जो सपोर्ट का एलिजिबिलिटी होता है वो मोनेटाइजेशन के बाद ही मिलता है. तो बहुत कुछ फैक्टर है. और एक छोटा मोटा, लाइक इतना भी ज़्यादा नहीं है, अगर मैं 20,000 खर्चा करूँगा तो इन रिटर्न आई वुड गेट 2,000 to 3,000 रुपीज एटलीस्ट आई वुड गेट, एंड आई वुड स्टार्ट अर्निंग. दिस इज द पार्ट. तो पैसा तो नहीं है, बट अभी जो इम्पोर्टेंट है वो है अर्निंग. स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ आ रहा है रिटर्न, तो इसलिए मोनेटाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड आप लोग चाहो तो थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हो बाय शेयरिंग आवर चैनल टू योर फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्प होगा. हर एक बंदे का एक दो ऐसा फ्रेंड होता है जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हो. उस बंदे को अगर शेयर करोगे, भाई ये चैनल है सब्सक्राइब कर दो, वो बंदा एब्सोल्युटली करेगा भी, और आपको भी अच्छा लगेगा, आप एक पार्ट बन रहे हो इस फैमिली का. मुझे तो भाई बहुत हेल्प होगा, और भाई करो, बहुत हेल्प होगी. बिग फैन, बिग फैन वाले भाई, फैन मत बनो भाई, फ्रेंड्स बनो. फैन फैन का कॉन्सेप्ट मेरे डिक्शनरी पे नहीं है, सब फ्रेंड्स एंड फैमिली का कॉन्सेप्ट है. तो टीम नंबर 17 इज रोटेटिंग अराउंड टीम नंबर 4. 17 के पास जाएंगे तो थोड़ा बहुत उनका 17 या 13 है क्या, ओके 13 है, ये जोन बन गया है. तो बातें करते करते दो तीन जोन बन गया है, और नंबर ऑफ प्लेयर्स इज 60, टोटल नंबर ऑफ टीम 16. बिल्कुल हर एक टीम प्रोफेशनल है, हर एक टीम अपने जान का प्यारा है, एंड वो लोग बिल्कुल गलत रोटेशन नहीं देगा जब तक पॉसिबल है. आपको द मैक्सिमम एक्सटेंट अपने टीम को सर्वाइव कर पाएगा, एंड नंबर ऑफ किल्स तो भाई मिलते ही रहेगा. अगर सर्वाइव कर पाएंगे, जिंदा रहोगी तो किल्स मिलेगा. तो ऑलवेज टेक कवर एंड टेक फाइट, नेवर एक्सपोज योरसेल्फ एंड जस्ट लाइक ए स्टूपिड मैन फायर करते रहो. ऐसा मत करो, कवर रहेगा तो ही फायर करो, जिंदा रहोगे तो मार पाओगे, ये दिमाग में रखना. और एक बंदे को बोलते बोलते नॉक कर दिए, ओपी हैरी जिसका सपोर्टर है अपने कमेंट सेक्शन पे, आपके दोस्त को दिया दिया है एक नॉक, बट आई होप सो. ओके बंदा अकेला है ग्राउंड, अकेला है ना, यस ग्राउंड पे अकेला है, बाकी जो तीन टीम मेट से मिली है, ब्लड ऑक्सीजन है एंड अभी बहुत एक्स है, वो तो थोड़ा दूर से रोटेट कर रहे हैं. बट ओपी हैरी कैसा नॉक हो गया, आई डोंट हैव नो आइडिया अबाउट दिस पर. बट मैट जोकर को दे दिया नॉक ऑन द अदर हैंड. अगर मैट जोकर की बात करेंगे तो यार मैट जोकर वो भी अकेला है, अपनी टीम से बिछड़े हुए देख सकते हो अभी तक. बाकी दो बंदे डार्क किलर है एंड क्रेजी गरीब है, बट ऑन द अदर हैंड टीम नंबर 12 ने दे दिया नॉक उसको. और बाकी जो तीन टीम मेट से भाई भाग रहे लोग, बिल्कुल अपना टीम में जो नॉक है उसे कोई परवाह नहीं, बट कोई नहीं, दे आर गोइंग फॉर ग्रेटर कॉज. तो लेट्स सी, आई थिंक दे आर नॉट रेडी टू टेक फाइट. और बंदा उसका टीममेट कुछ ना कुछ किया होगा, आई डोंट नो व्हाट द इंटरनल इशू, बट बंदा नॉक हुआ है, फिनिश हुआ है एंड इलिमिनेट भी हो गया. ओपी हैरी अभी भी नॉक है, चलो मैं ओपी हैरी के पास चलते हैं. भाई बहुत ही बढ़िया, अपने टीममेट रीइंफोर्समेंट के लिए आए हैं एंड अपने टीममेट को दे रहे हैं रिवाइव. चलो और कोई किल फीट आएगा, नॉक देखेंगे, इमीडिएटली पहुंच जाएंगे वहां पे. और ओपी हैरी को मिल गया हैरी भाई, ब्रो आपका टीम बहुत ही बढ़िया है, देख सकते हो अपनी जान पे खेल के दिया दिया हैरी भाई. और टीम नंबर 15 और 11 है अराउंड इंडिया जोन के अंदर है, एंड 30 के ऊपर आ रहा है स्प्रे पंप नंबर 11 एंड टीम नंबर 10 और से केसीसी नेक्स्ट ओपी को दे दिया है नॉक. और नॉक के साथ साथ फिनिश भाई, एक फर्स्ट ऐसा नॉक मिला जो कि क्रेजी गरीब को दे दिया है फिनिश, पूरा आई थिंक स्क्वाड फिनिश हो रहा है. इधर थोड़ा बहुत देखने की ट्राई करेंगे, कवर अप करने की ट्राई करेंगे, एक एट ए टाइम एक ही टीम कवर अप होगा, दैट इज अनफॉर्चुनेट पार्ट क्योंकि बजट बहुत लो है. और टीम नंबर 3 जो स्क्वाड हाउस के अंदर है वहां से टपाटा पेल रहा है इधर. तो चलो भाई बार बार इस टीम के पास चलो क्योंकि इधर बहुत सारे फाइट्स हो रहे हैं बैक टू बैक. और चलो भाई और कोई टीम्स जहाँ पे फाइट होने की पॉसिबिलिटी, इधर तो फिलहाल ये तीन टीम्स है ट्रायंगल की शेप पे और एक के पीछे एक परे है. टीम नंबर 3 के पास भी जाएंगे फिलहाल, टीम नंबर 15 के पास जाके देखते हैं, उनका भी थोड़ा बहुत डैमेज है एंड दे आर ऑल्सो टेकिंग फाइट विद सम अदर टीम. विद इन ए मिनट हम लोगों ने तीन टीम्स खो दिया है. हमारे पास थोड़ी देर पहले 18 टीम्स था, अभी 15 टीम्स है. जस्ट लाइक दैट ऐसे जब जोन श्रिंक होते हैं तब अचानक एक दो तीन टीम गायब हो जाते हैं. और डिवाइन को दे दिया है नो कुछ देर पर ग्रैंड. अगर उसकी बात करेंगे तो लेट्स गो टू मिल गया है डिवाइन का भैया. डिवाइन जो है SFS प्रोफेसर है और प्रोफेसर भी नॉक हो गया उनके अंदर. प्रोफेसर का व्यू देख सकते हो, सामने नंबर 7 है, आई थिंक फुल किल कर देगा ऐसा. बिल्कुल बंदा एग्रेसिव मोड में आ रहा है, चेकिंग और की बंदा है कि नहीं. डीडीबी डिवाइन को और एक ग्रेड से नॉक फिनिश कर दिया है. ओके फाइन, आई थिंक डिवाइन ऑफलाइन था और उसकी टीम मेट ने उसको नॉक फिनिश किया है. और इधर टीम नंबर 7 एक बंदा, अरे जल्दी 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 आओ ना, बात करते हो भाई और पे क्या है, पीछे से जाना, जल्दी बैठ बे
अरे यहाँ ये यार मत करो, पड़ेगी तुम तीनों मरोगे, बच गया हो तो। क्या दिक्कत है भाई। मैं कह ही रहा था कि, मैं कह रहा था ऊपर बंदे हो सकते हैं, मेरे को लग रहा था ठीक भाई, पूरा मूड पर गाड़ी अच्छे दिखी से थी मैच मेरे कर को, दिया। लेकिन तुम चलते कर, मैं भी चलता क्या, सालों ने उतारा भी मुझे ही। लेकिन वो स्क्वाड हाउस में नहीं थे ना। अरे यार बंद करो ना ऑल पे बातें। अच्छा मैंने नहीं हटाया, भूल गया होगा, इधर की तरफ है देखिए, या तो इधर है या तो जहाँ मेरा मार के पहले येल्लो वाले पे दूर से चेक कर ले, यही होगा स्क्वाड हाउस है ये। हाँ ये जा होल्ड कर, बंदे बंदे ऑलरेडी, बंदे ऑलरेडी बंदे, अरे यार एक और अंदर गाड़ी है, अंदर एक और गाड़ी है, अंदर एक और गाड़ी है, भागो। क्या अबे दिक्कत है भाई, लेजेंड नहीं, क्यों भाई पीक क्यों नहीं, नहीं लेजेंड समझते हो भाई, पीक नहीं। कॉल पे क्यों बात करते हो। क्या कौन टट्टी ड्राइवर था, चलो मैं माफ कर दिया कर, मैंने आपको टट्टी रेस्पी करवा कर ड्राइविंग, दिया, बहुत बेकार 17 की बात ड्राइविंग, कर रहे बहुत हो, बेकार ड्राइविंग, पता नहीं क्या बात कर रहे हो। टीम नंबर 10 के ऊपर आ गए हैं रश, टीम नंबर 3 एंड टीम नंबर 3 बिल्कुल चौर बहुत में हैं। बेकार ड्राइविंग बेविन, आई थिंक बहुत लास्ट बेकार टाइम, ड्राइविंग, तू लास्ट टाइम ड्राइविंग ही मत तो थी ले ना, कर, लेकिन मत ले आज कर, वे तू नॉक ड्राइविंग आउट में, बैरियर तेरे से फिनिश मना कर करते दिया, हैं आज ड्राइविंग तक के पूरी लिए। टीम टीम नंबर 3 के पास नॉक हो गए, नॉक फिनिश कर दिया, दो बंदे को टीम नंबर 3 के, टीम नंबर 10 का लास्ट मैन अलाइव ये है, सर इससे हमेशा मना करते हैं ड्राइविंग के लिए, लास्ट मैन मानता अलाइव, नहीं है यस लेकिन जरूर ड्राइविंग फिनिश लेके आपका मानता बंदा है, आ यही तो, चुका या है। तो और कॉल फाइनली लो वे। मोहली के रमेश से अबे बोल तो बंदे लॉक ठोका फिनिश नहीं, हो गए लेकिन हैं, तू टीम बहुत गलत नंबर निकाला उनके आई सामने थिंक से। यस एलिमिनेट हो गए, टीम नंबर 10, टीम नंबर 3 है लेजेंड फिलहाल लेजेंड इधर, लेजेंड लास्ट सेल्फ मैन अलाइव, नेट कर दूसरी ले, टीम के भी बहुत डैमेज है उनकी टीम पे, दो बंदे थे उनमें से एक बंदा नॉक है और एक बंदे को ये मिल रहा जाओ है, और बे तुम बाकी साले, बंदे कॉल आउट मत हो लो गए भाई, बिल्कुल। अभी भी बात कर रहे हैं भाई, हट रहे। चलो भाई टीम नंबर 15 वर्सेस टीम नंबर 17 हो सकता है, 17 का एक बंदा आ रहा है इधर, और 17 के सामने से टीम नंबर 7 भी जा रहा है, टीम नंबर एंटर 7 है, 17 के भी एंटर स्क्वाड है, अगर 17 की पीओवी देखेंगे तो लेट्स सी। बंदा शांत हुआ क्या? हाँ शांत हो गया, और 17 के एक बंदे को दे दिया है नॉक कंप्लीट नंबर 3, बहुत ही प्यारा खेल है टीम नंबर 3, बहुत सारी किक्स उठा रहा है, और 17 का जो बंदा मिडिल रास्ते पे नॉक हुआ है उसका कोई उम्मीद ही नहीं है, बंदा बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, कोई ना कोई दूसरा टीम भी फिनिश कर सकते हैं, लेट्स सी, बट बंदा तो गायब हो गया लोबी से, वो तो पक्का है। और इधर जॉर्जो की कंटेनर पे कोई अपना अड्डा जमाने की कोशिश, और टीम नंबर 10 जो था आई थिंक टीम नंबर 10 इज इलिमिनेटेड, जिसका सपोर्टर भी कौन से टीम का था, यस टीम नंबर 10 इज इलिमिनेटेड, और टीम नंबर 9 की बात करेंगे तो लास्ट में आया फिर मिलना जोन के पास अंदर आ रहा है, टीम नंबर 11 की बात करेंगे तो जोन के अंदर ही है एंड ही इज इन साइड सम स्क्वाड हाउस। इधर टीम नंबर 3 के ऊपर नज़र है फ्रॉम टीम नंबर 11, ये रहा टीम नंबर 3, टीम नंबर 11 ये रहा, और टीम नंबर 15 था आसपास, ओके टीम नंबर 3 का एक ही, ओके टीम नंबर 11 ही है और 3 इधर है, और दूसरी टीम से बात करेंगे तो कंटेनर के मतलब जोन के बिल्कुल सेंटर में है टीम, टीम नंबर 7 ही है। ड्रॉप के अंदर क्या है, लेट्स स्पेक्टेट, यार ड्रॉप एम्प्टी दिखा रहा है, अभी तक गिरा नहीं ना, जब तक गिरता नहीं तब तक कुछ स्पॉन नहीं होता, दिस मेट बी द कॉन्सेप्ट। तो जो लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम हवा में ड्रॉप लूट के छोड़ देंगे, तो वो दैट इज पॉसिबल कि जब तक गिरेगा नहीं तब तक, MG3 विथ 8x एंड 100 MU है, बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है, अगर कोई बंदा ड्रॉप लूटने की हिम्मत कर सकते हो देन इट विल बी 100% प्रॉफिटेबल, क्योंकि भाई MG3 जिसके हाथ में होता है वो जॉर्ड ही होता है BGMI में, तो इसी उम्मीद के साथ आई थिंक टीम ये टीम आ सकते हैं उनके आसपास है, पर उसके रिक्स भी हो सकते हैं एंड दे आर ट्राइंग टू थ्रो सम फायरिंग, बट उधर तो ओके टीम नंबर इस टीम के ऊपर फायर हो रहा है, और टीम की बात करेंगे तो उसके सामने भी और एक टीम है विच इज टीम नंबर 12, तो टीम नंबर 12 पर टीम नंबर एनिमी 8x के साथ थोड़ा स्प्रे, बट ऑन द अदर हैंड डीपी का 3 गोली आया और बंदा गायब, और टीम नंबर 4 का देखने की रिक्वेस्ट, इस टीम नंबर 4 को ही हम लोग देख रहे हैं, टीम नंबर 4 बिल्कुल मौज में है, फायर वायर कर रहा था, सामने वाले बंदे को डैमेज दिया पर अंदर अंदर वो खुद नॉक हो गया, डीपी की स्प्रे, डीपी बहुत खतरनाक गन है, डीपी इज अ ऑलराउंडर इन सिंपल वर्ड्स। टीम नंबर 5 की बात करें, टीम नंबर 5 फिलहाल तो जोन के अंदर है, जस्ट नाउ एंट्री किया है, और सामने टीम की बात करेंगे तो कंटेनर पे एक टीम हम लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले, जो कि वो लोग एग्जिस्ट करती है वो टीम नया टीम नंबर 7, और इधर जो ऊपर फाइट हो रहा है फिर से उधर जाएंगे क्योंकि इधर बिल्कुल एक्टिव फाइट है, एक्टिव वार जोन है ये वाला एरिया, और इस टीम की बात करेंगे तो यार टीम नंबर 4 वर्सेज टीम नंबर 12 आई थिंक, यस टीम नंबर 4 वर्सेज टीम नंबर 12 हो रहा है, 12 की बात करेंगे तो इस लोगों ने बहुत ही DPVP है, जोन बन गए नेक्स्ट जोन, और एक साइड में बनाए घर है जोन के अंदर, विच इज़ अ वेरी गुड पार्ट, क्योंकि आप घर के अंदर रह सकते हो, बार बार फाइट ले सकते हो, बार बार कवर में आ सकते हो, फाइट ले सकते हो, नॉक हो सकते हो, तो लंबा खींचता है, मोर इंटरेस्टिंग होता है फाइट। जॉर्जो सिटी से मतलब रिवर के उस पार से इस बार और एक टीम आके अपना अड्डा जमा लिया इधर,
टोटल नंबर टीम्स 12 है, टोटल नंबर प्लस 42 है, और जोन बिल्कुल छोटा बन गया है। हेलो तनु भाई, क्या हाल चाल बताओ? आप टॉप 8 पे नहीं थे क्या? आई थिंक आपने खेला था क्वार्टर फाइनल्स, तो सेमी फाइनल में आप प्रमोट नहीं हुआ क्या? यार नेटवर्क तो बीटी दे रहा है भाई। नीचे से जा रहा था, बग्गी के साथ रोटेट कर रहा था, बट नो दो बंदे हैं फिलहाल ऊपर, तो ऊपर से बिल्कुल सुपर ब्लॉक मिल गया टीम नंबर 4 के बंदे को, और टीम नंबर 4 के बाकी तीन बंदे हैं अलाइव फिलहाल, जिसको नॉक फिनिश दिया है वो है B2 और ऑक्टोपस, और बाकी जो तीन बंदे हैं टीम नंबर तीन बंदे में से एक बंदा तो अपना जोन के अंदर जाके अपना पोजीशन कैप्चर कर लिया, बाकी दो बंदा अपने टीममेट के पास जा रहा है जोन के अंदर जो है फिलहाल, जो कि यह बंदा है 6x8x विथ मिनी, 6x विथ मिनी यूज़ कर रहा है। क्या हो गया स्ट्रीम का? अरे स्ट्रीम कुछ नहीं हुआ, अरे ये नेटवर्क का इशू है थोड़ा सा, मतलब KBPS नीचे गिर रहा है यार, बहुत कॉमन इशू है यार इंडिया में, क्योंकि जब नेटवर्क का जब बैंडविड्थ कवर अप नहीं कर पाता विद द क्राउड देन पावर मैनेजमेंट का इशू है, मेरा नहीं है मतलब ये नेटवर्क केरियर का इशू है। हो रहा है वैसे भी 38 बंदे आ गए हैं, 40 बंदे थे दो मिनट नहीं 30 सेकंड पहले बोलूंगा, और भी दो तीन बंदे को नॉक फिनिश दे दिया है। इधर टीम नंबर 11 इज इन डेंजर, दो एक बंदा नॉक फिनिश हो गया, दूसरा बंदा भी नॉक फिनिश हो गया, बाकी दो बंदा है, एंड टीम नंबर दो बंदे इधर आ गए हैं, एक रश ऊपर से देखने की ट्राई करेंगे, तो अच्छे से ओवरव्यू आ गए हैं लास्ट में टीम नंबर 11, और टीम नंबर 11 ने और एक बंदे को नॉक दे दिया है, आई थिंक मिनी भी दे देगा, यस जेनिथ ने दे दिया है उसको फिनिश, और इट्स अ 1v1 फाइट अगेंस्ट टीम नंबर 5 एंड 11, जो बंदा इधर से मर जाएगा उसका टीम इलिमिनेट हो जाएगा एट द पर्टिकुलर स्पॉट, और टीम नंबर 4 वर्सेस 7 हो रहा है, उधर टीम नंबर 4 वर्सेस 7 की बात करेंगे तो इधर भी और इधर 18 वर्सेस 3 हो रहा है, 18-3 एंड 17 भाई, तीन तीन टीम हर एक पोजीशन पे, दो तीन मतलब थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी का पॉसिबिलिटी है हर एक पोजीशन पे, हर एक बंदा फाइट ले रहे अपने अपने लेवल पे, और जो भी बंदा इधर से निकल के निकलेगा उस बंदे के साथ फिर से फाइट होगा, बिल्कुल सेमीफाइनल्स में सेमीफाइनल्स हो रहा है इधर, 32 बंदे इन सच अ स्मॉल जोन, आपके घर के अंदर भी आप सेफ नहीं हो, ऐसा सिचुएशन बन गया फिलहाल, और सिचुएशन और लोबी बहुत तगड़ा है, अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो एब्सोल्युटली ज्वाइन आवर डिस्कॉर्ड, और हमारा जो अनाउंसमेंट एरिया है वहाँ पे थोड़ा नजर रखना, हम लोग अनाउंस करते रहते क्या भाई, करते रहेंगे ही, बस दिमाग में रखो भाई अनाउंसमेंट होगा बस कब होगा उस टाइमिंग का ध्यान रखना, और ऐसा नहीं भाई हम लोग अनाउंसमेंट आज करेंगे कल मैच स्टार्ट करेंगे, अनाउंसमेंट करने के बाद हम एडिक्वेट टाइम देते हैं फॉर टीम्स टू गेट रजिस्टर्ड, और एडवर्टाइजमेंट के लिए भी बहुत पैसा खर्च करते हैं, तो जो लोग ऑलरेडी चैनल के साथ जुड़े हो वो उनको तो बिल्कुल बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना नहीं मिलेगा ही मिलेगा 100%, और हम एडवर्टाइजमेंट पे भी अगर आपके पास कोई सोर्स है जहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट हम लोग हेल्प कर सकते हो टू एडवर्टाइज आवर टूर्नामेंट्स देन एब्सोल्युटली कॉन्टैक्ट अस, वी विल कॉम्प्लाई विथ योर सिचुएशन, और इधर है टीम नंबर 7 के बाद नॉक, चार बंदे अलाइव है वेरी गुड, चार बंदे अलाइव है बट एक बंदा नॉक है जो कि इजीली मिल रहा है, कवर गाड़ी के कवर में टूटा हुआ गाड़ी है, टीम नंबर 16 का एक बंदा है जो कि टीम नंबर 4 के साथ फाइट हो सकते हैं, टीम नंबर 11 वर्सेस 5 का जो फाइट था जेनिथ की टीम जीत गया, 11 को एलिमिनेट कर दिया जेनिथ ने 1v1 में, आई थिंक नेट सही हो गया यार, फ्लक्चुएट तो कर रहा है 24 Mbps टू 13 Mbps तक फ्लक्चुएट कर रहा है यार, 10 बारह का वाचिंग चल रहा था, थोड़ा तो सहना पड़ेगा यार जब तक गेमिंग ऑफ ना हो जाता,
और इधर और एक टीम को दे दे एलिमिनेशन इलेवन पोजीशन, और एक फाइट हो रहा है इधर जो फाइट हो रहा है, सेवन है इधर, सेवन है, थ्री है और सामने और एक टीम है, आई थिंक सेवनटीन है, सेवनटीन या सेवनटीन का टीम का फाइट हो रहा है। अगर ऊपर से देखेंगे तब देख सकते हो कि नंबर फोर उधर से जो और एक टीम का मतलब फिफ्टीन वर्सेज फोर हो रहा था, फिफ्टीन आ रहा है जोन के अंदर, फोर भी जोन के बाहर है, तो फिफ्टीन हो गया एलिमिनेट एट द टेंथ पोजीशन। और इधर थ्री वर्सेज सेवनटीन हो गया, सेवनटीन का टीम कंसर्ट हुआ है, उनके बाद हिल बैटल कर रहा है, देनेत भी अपने पोजीशन पर बैठे हैं हिल बैटल करने के मूड में, बट जो भी है फिलहाल सही पे। और इधर नेक्स्ट वन मिनट तक जो टीम सेफ रहेगा, जो टीम जिंदा रहेगा, उनको बहुत ही एक हायर पोजीशन पॉइंट्स मिल जाएगा, जो कि ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि हर एक पोजीशन पे आपको मतलब बहुत एडवांटेज मिलता है। विदाउट किलिंग एनी प्लेयर यू आर गेटिंग पॉइंट्स, बट किल भी ज़रूरी है, बट टू कीप योर सेल्फ अप टू द फाइनल पोजिशन आपको करना पड़ेगा वो चीज़, आपको पोजिशन पॉइंट्स पर ध्यान देना पड़ेगा। 12 वर्सेस 12 है इधर पीछे से, और सामने 16 है, सॉरी 6 है, तो 6 12 है, 5 है, 4 है, 7 है, 18 है, 3 है। तो जो एक बंदा हिल बिल्ड कर रहा था टीम नंबर 3 के साथ, वो बंदा फिनिश हो गया, आई थिंक उन्होंने मार दिया उनको। बाकी टीम नंबर 7 के चार बंदे टीम नंबर 18 के ऊपर ओवरवेल्म हो सकते हैं। इधर एक बंदा नॉक है टीम नंबर 6 की तरफ से, बट उसको इजी वे मिल रहा है। टीम नंबर 7 के पास जाएंगे तो उनका थोड़ा बहुत पीवी देखेंगे, क्या सीन है उनका, क्या कर रहे हैं, बोलो 18 को कैसे मारेंगे। 18 क्या उल्टा 1v4 कर देगा एक्स डी रैकर, आई थिंक हेल्थ, यस हेल्थ उसने हीलिंग कर लिया है, एंड वो एब्सोल्युटली उनको पुश से भाग गए, एंड वो अपने बंदा कूद गया है कोशिश, बट नो वो फिलहाल अवॉइड करने की चोटी सेवन की चार बंदे कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा वहाँ पे अपने ओपोनेंट अपने एनिमी देख पाएगा वो। हर एक 20 बंदे हैं सिक्स टीम से, सेवन पोजीशन पे टीम नंबर 11 एलिमिनेट हो गया है, और एक बंदे लॉक फ्रॉम टीम नंबर 12। और बात करेंगे तो उस ब्लॉक फिनिश भी हो जाएगा बहुत ही प्यारा, टीम नंबर आई थिंक जेनिथ ने फिनिश किया, उसको जेनिथ की बात करेंगे तो जेनिथ जोन के अंदर है, एंड फिलहाल उसके ऊपर आ गया है एक अच्छा खासा रश, जिस टीम ने रश किया उसका टीम नंबर है टीम नंबर 12, लास्ट में लड़ाई और व्हाट, नो टीम नंबर 12 का, ओके लास्ट में लड़ाई टीम नंबर 4 आ रहा है, टीम नंबर 4 के बंदे को नॉक दे दे जेनिथ, जेनिथ बिल्कुल अपने पोजीशन से जबरदस्त खेल रहा है, जहाँ पे बंदे देख रहे हैं वहाँ पे नॉक हो रहे हैं बस और कुछ नहीं, मौका मिलता है तो फिनिश भी कर जाता है, बहुत ही प्यारा गेम प्ले। और टीम नंबर 4 को जो एक नॉक दिया था वो तो फिनिश हो जाएगा जोन की तरफ से, टीम नंबर 4 का दूसरा बंदा भी नॉक हो सकता है आउट ऑफ आउटसाइड द जोन, जेनिथ बिल्कुल आई थिंक एज ऑफ द जोन पे, यस जेनिथ एज ऑफ द जोन पे, दूसरा बंदा नॉक हो गया, टीम नंबर 4 पर टीम नंबर 12 हो सकती है, 12 के पास जाएंगे तो टीम नंबर 12, यस एब्सोल्युटली ही इज नॉट गिविंग हिज फुट स्टेप, और बंदा डैमेज है उसको एडवांटेज लेना चाहिए इस मोमेंट का। और टीम नंबर 4 के बाद करेंगे तो 4 का व्यू भी देखते हैं, टीम नंबर 4 देख सकते हैं इधर बिल्कुल छोटे पे बैठे पड़े हैं, टीम नंबर 4 पर टीम नंबर 12 हो सकते हैं, टीम नंबर 5 का हर एक इधर दो वेयरहाउस है, तीन बंदे हैं और प्रचलित तीन टीम से एक दूसरे के ओपोनेंट है वो, ऐसा नहीं भाई टीममेट है। और भाई इधर जो 4v4 फाइट हो रहा है जो प्रॉपर टीम्स है उनका तो अलग लेवल का फाइट है, वो तो अलग लेवल का डोमिनेशन दिखा रहा है पूरे मैप पे। और एक प्यारा सा नागिन का शॉट, हेड शॉट जो बोलते हैं टीम नंबर 3 के ऊपर, टीम नंबर 3 का आई थिंक एक बंदा नॉक हो गया, यस एंड टीम नंबर 12 वर्सेस टीम नंबर जो 4 हो रहा था, टीम नंबर 12 ने 4 को ले लिया गया है, और इधर और एक टीम एलिमिनेट हो गया, टीम नंबर 4 एलिमिनेट हो गया एट द 6th पोजीशन। टीम नंबर 3 एक कॉर्नर पे जाते छोटा सा जोन है, और टीम नंबर 6 एक बंदे को नॉक दे दिया है, टीम नंबर 6 अपना नॉक बंदा बट उसको रेड मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, टीम नंबर 6 दे दिया राश दो टीम के ऊपर, लेकिन दो टीम ऑलमोस्ट नॉक कर देता, बट उसने इन नीटेड रिफ्लेक्स के साथ जो स्प्रे दिया है दैट इज लाइफ सेविंग, नहीं तो वो अभी नॉक हो जाता। और एक्सेस प्रिया भाई इस कवर में है, बट इस तरह कवर हर एक तरफ से एक्सपोज है, जो उसको सर्वाइव कर रहे हैं उसको टीम्स का कवर फायर, और टीम नंबर 3 भी अंदर क्लोजिंग कर दिया है टीम नंबर 6 के आसपास, टीम नंबर 6 के पास एडवांटेज है, हेड के एडवांटेज है, फोर दे कैन टेक ए अपर हैंड, और टीम नंबर 12 अपना गाड़ी वाली फंसा के कवर बना के बिल्कुल अपने पोजीशन में मौज बैठे, टीम नंबर 6 के बंदे को और एक बार नॉक देगा, टीम नंबर 3 का जो बंदा है बहुत ही प्यारा खेल रहा है, इस बंदे को दो दो बार नॉक दिया है, दो से और एक बंदा नॉक हो जाएगा, ये दो बंदा नॉक टीम नंबर 6 जो कि अच्छा पोजीशन में था अभी फिलहाल दिक्कत में है। और टीम नंबर 3 से टीम नंबर 8 हो सकते हैं, टीम नंबर 6 की तरफ से एक ही बंदा अलाइव है, प्रिया को दे दिया है फिनिश। अभी नंबर ऑफ प्लेयर्स ज़्यादा की बात करेंगे तो टीम नंबर 3 के पास है, एंड टीम नंबर 3 देख सकते हो, टीम नंबर 12 भी जोन के बाहर है, टीम नंबर 5 जब से इधर आया है तब से जोन है, अभी भी जोन है, क्या लक है उनका, उनको इस लक का 100% यूटिलाइजेशन करना है एंड अच्छे से चिकन निकलना है। और वो थोड़ा सा एक्सपोज हो गया था बट अभी सामने वाले टीम का जो ओपन में है उसको एंड नॉक हो सकते हैं, बट 0-0 बंदा निकल गया,
नंबर थ्री, नाउ वी गॉट अ टॉप टू टीम्स, टीम नंबर थ्री वर्सेस टीम नंबर फाइव। टीम नंबर फाइव भाई आपने अपनी टीम को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया, मुझे मुझे पता है, जो लोग स्क्रीन देख रहे हैं उनको पता है, लेकिन सबसे बड़ी क्रेडिट जाता है आपकी जोन डिटेक्शन पे, इधर बैक टू बैक जोन बना। आप देखते हैं भाई, बहुत ही स्लाइट चांस है आपको चिकन मिलने का। बाकी इधर देखो नंबर प्लेयर ज़्यादा है तो आपको ओपोनेंट की नंबर ऑफ प्लेयर आपको ओवरवन कर देगा। और अभी तो अंदर फायर आएगा, ग्रेनेड आएगा, हर एक चीज़ आएगा, देख सकते हो। बोलते बोलते ग्रेनेड का बरसात आने वाला है, फिर रेडबल क्रिएट होने वाला है और एक ट्रैक के साथ बंदा गायब। हमको अपना चिकन डिनर मिल गया है एंड लेट्स टेक स्क्रीन शॉट्स। अभी हमारे सेकंड मैच को जाएंगे, टीम में कोई रैंडम बंदा आता है दैट इज आपके स्लॉट को खराब करता है, देन यू शुड इन्फॉर्म अस सो दैट वी कैन किक दैट पर्टिकुलर प्लेयर। और आप जिस एलोकेशन की बात कर रहे हो, देन आप डिस्कॉर्ड पे आओ, बात करो अपने मैनेजमेंट, हमारे मैनेजमेंट से, और आप एक छोटा सा प्रूफ दो ताकि हम लोग एक्शन ले पाए। ठीक है, वेरी सिंपल भाई, जो बोला आपको कर दो वो चीज़ हो जाएगा। आपको मतलब प्रूफ देना पड़ेगा, बस किसी की टेक्स्ट पे हम लोग किसी को ऊपर एक्शन नहीं दे सकते, आप बस छोटा मोटा प्रूफ दे दो, बाकी हम देख लेंगे। डिस्कॉर्ड पे आओ, आप जिसके ऊपर इलेक्शन लगा रहे हैं हम उसको बुलाएंगे, आप मतलब आप इलेक्शन लगा रहे आप रहोगे वो बंदा रहेगा और आपसे एक प्रूफ मांगेंगे, बस उतना ही है। दोनों पार्टी का बात सुनना ज़रूरी है। चलो एक तब तक एक छोटा मोटा टी टाइम खेल लेते हैं, कितना टाइम है? हाँ चलो, मैं तो नहीं रोज़ा नहीं यूज़ करूँगा, बहुत बुरा लगेगा। Team match, let's go. Reloading. First point for the red team. Clear. Down. Cover me. Enemy down. I'm out of this. Marked a location. Team is in the lead.
Killing spree for the blue team! Great! You're about to win! The blue team is heading to a perfect win! Victory! टाइम तो हो गया
PIPH.
कागो भाई कौन सी नशे में हो? गुड नाइट बोल दो साथ साथ मॉर्निंग के साथ। इधर टीडीएफ और दे दिया है नॉक कहीं भी जगह क्योंकि लास्ट में लाइव है एम मोमेंट उनका खुद के एलिमिनेशन हो सकते हैं। नंबर 7 वर्सेस नंबर 13 का मतलब लूट रहा है। आई थिंक ये वाला बंदा थोड़ा एक्सपोज है, इधर से एंगल मिल जाएगा इसको। ओके नो वो रोड के उस पार है तो इजीली 13 का बंदा अभी बंदे को नॉक फिनिश करके आई थिंक ही माइट एस्केप। और टीम नंबर 7 की बात करेंगे, टीम नंबर 7 आ गया पुश करने के लिए। बिल्कुल दो बंदा है, 2v1 सिचुएशन हो गया इधर। और टीडीएफ अजमुल देखते हैं भाई क्या कर पाता है बंदा। और पीछे से आ गए हैं थोड़ा बहुत असिस्ट फ्रॉम टीम नंबर 7 की जो बट ऑन द अदर हैंड दोनों एकेएम के पास दोनों एकेएम फाइट हुआ बट 13 थोड़ा डैमेज था पीछे से फॉर विच ही वाज एलिमिनेटेड एट द 14th पोजीशन। और कोई बंदा नॉक्ड फिलहाल तो देख नहीं रहा नॉक्ड बट नंबर ऑफ प्लेयर्स आर इमेंस 50 नंबर ऑफ प्लेयर्स 13 टीम्स है। ये जो टीम है इन लोगों ने भी एक टीम को एलिमिनेट किया है फॉर विच उनके पास 4 की फिनिश पॉइंट्स है। और टीम नंबर 12 वर्सेस टीम नंबर 5 हो सकते हैं इधर जेनिथ की टीम वर्सेस टीम नंबर 12 T2S। इधर और एक टीम का हो सकता है थोड़ा बहुत क्लैशेस कुछ इस अगेंस्ट ग्राउंड पर जाएंगे देख पाएंगे 3 vs 14। और कोई टीम का तो क्लैश दिख नहीं रहा फिलहाल, सिर्फ ये दो टीम है जो कि बहुत ही क्लोज है एक दूसरे के साथ और कभी भी जंग छेड़ सकते हैं लोग। ये वाला बंदा बहुत ही क्लोज जगह है आई थिंक टीम नंबर 3 की यस बीच में है। टीम नंबर 3 का दो बंदा दो तरफ है एंड दे ऑलरेडी टू फाइट। टीम नंबर 14 के बाकी बंदे की बात करेंगे तो चलो इधर जाकर देखते हैं टीम नंबर 14 के बाकी बंदे का गरीब जो है आसपास ही है बट टीम नंबर ये जो पर्टिकुलर डार्क पिलर है ये थोड़ा ज़्यादा ही क्लोज आ गया है एंड टीम नंबर 3 कैन पुश ऑन हिम। टीम नंबर 3 के 4 बंदे हैं, एक बंदा चलो एक साथ दोनों बंदा पुश कर रहे हैं, एक दो ग्रेनेड का परफेक्ट कनेक्शन और बंदा गायब हो जाएगा लॉबी से। और बंदा बिल्कुल डट के पर है, फुट स्टेप भी नहीं दे रहा, कुछ भी हो जाए। ओके जूनियर अंदर जा रहा है, जूनियर के पीवी दिखेंगे। बाकी टीम में सब लोग एक पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, पता नहीं पुश क्यों नहीं कर रहा, बिल्कुल ठंडा हो गया माहौल। फायर भी नहीं कर रहा, फुटस्टेप भी नहीं दे रहा, ग्रेनेड भी नहीं फेंक रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, जस्ट बैठे हैं वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट। और बाकी टीम्स जोन बन गए फॉर विच दे आर रोटेटिंग इन साइड द जोन। और ये दो टीम्स का भी फाइट हो सकता है फिलहाल। ग्राउंड पर जाएंगे तो देख सकते हो एक ही टीम दिख रहा है फिलहाल ग्राउंड पर, बट सामने है टीम्स विच इज टीम नंबर 4। टीम नंबर 4 का सिंगल बंदा है, एक बंदा मर गया। और ओके स्पेयरलेस चालू हो गए पीछे से टीम नंबर 18। गाड़ी का टायर फूट गया है एंड गाड़ी ऑलमोस्ट फूटने वाला है और फूट गया फाइनली गाड़ी।
और जिस टीम से स्प्रे है उस टीम का बात करेंगे टीम नंबर 18 होगा, क्योंकि और कोई इसी टीम को तो ग्राउंड पे नहीं दिख रहा, ये टीम नंबर 18 दूसरे स्प्रे दिया है। और इधर जो फाइट का माहौल था वो इधर अजहर को दे दिया है नॉक एट सम पॉइंट। जी के एक बंदे को नॉक फिनिश कर दिया है। अगर दूसरे बंदे की बात करेंगे तो यार दूसरा बंदा भी अजहर जो कि टीम नंबर 3 से बिलोंग करते हैं उसको भी नॉक दे दिया है। टीम नंबर 3 इज इन डेंजर, टीम नंबर 14 इज डोमिनेटिंग ओवर टीम नंबर 3, टीम नंबर 14 के पास जाएंगे तो लेट्स सी और कोई पुश करेगा कि नहीं करेगा। दो बंदा है अभी फिलहाल, तीन बंदे, एक बंदे को नॉक फिनिश किया है। डार्क किलर सेम पोजिशन पर, आई थिंक ऑफलाइन और वॉट, यस ऑफलाइन है बंदा। ओहो और दो टीम का फाइट है, वो जिस टीम नंबर 4 वर्सेस टीम नंबर 18, टीम नंबर 4 आई थिंक, यस टीम नंबर 4 है इधर, 18 भी सामने ही है, थोड़ा ऊपर से जाके देखने की ट्राई करेंगे। टीम नंबर 18 ने बिल्कुल 4 के आमने सामने आ गया है उसको पेलने के लिए। 18 के बंदे आई थिंक दे आर रोटेटिंग अराउंड, वो लोग बिल्कुल चारों तरफ से घेर के मारेगा मामार्थ को, और नाम भी बिल्कुल स्पॉन्सर्ड लग रहा है, मामार्थ का स्पॉन्सरशिप हर जगह पर फैले हुए हैं। ओके उन लोगों ने आई थिंक आइडेंटिफाई नहीं किया फॉर विच उन वो लोग जा रहे हैं फिलहाल इधर से, और मामार भी बिल्कुल अपना पोजीशन रिवील नहीं करेगा। एंड बाकी जो टीम मेट्स है वो लोग रोटेट करके एक पोजीशन पे जा रहे हैं। सामने है P2W का बंदा, चार बंदे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उधर जो फाइट हो रहा है टीम नंबर 3 वर्सेस टीम नंबर 4, उनके पास जाएंगे। टीम नंबर 4 कहा गया, चलो ऐसे चले जाते हैं, पता ही है। चलो टीम नंबर 4 का ही रहा, वो लोग भी ओके जो फाइट है जोन के बाहर अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, एंड कितना जल्दी ये कंक्लूड होगा वो ही देखने की बात है। टीम नंबर 3 रहा बिल्कुल टीपी लेके बैठे, अभी टीम नंबर 4 अगर ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा पुश कर देगा देन दे माइट बी इन डेंजर, वो लोग इलिमिनेट भी हो सकते हैं। टीम 14 की बात करेंगे तो एक बार तो ऑफलाइन है तो ऊपर से नहीं जाए टीम नंबर 3 की तरफ से, आजाद ने डेमेज दी इसके ऊपर। टीम नंबर 3 का जो वायरस है वो छत पे हाइट एडवांटेज के साथ बैठे, थोड़ा सा ये गरीब पीक विक करेगा, नॉक हो सकता है। एक ग्रेनेड, परफेक्ट ग्रेनेड आ गया है और नॉक, ऊपर से स्प्रे भी आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा है। और अजहर भी अपनी तरह फुल ट्राई कर रहे हैं बंदे को नॉक फिनिश करने के लिए, और एक ग्रेनेड फेंकने की कोशिश, एंड आई डोंट थिंक ये कनेक्शन होगा। क्रेजी वेनम आ गया है रेस्क्यू मिशन के लिए, और क्रेजी वेनम के पास जाएंगे तो लेट्स सी द पीवीपी दिस गाइस, मोली बोली सब कुछ फेंक दिया है, हेल्थ किट भी फेंका अपने टीममेट के लिए, और बंदे अभी डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। एक बंदा नॉक है बिल्कुल, टीम नंबर 14 अभी बिल्कुल दिक्कत में। टीम नंबर 3 का जो स्टैंड है बहुत तगड़ा है फिलहाल, और जा रहा है पुश करने के लिए एंड एलिमिनेट कर दिया आई थिंक। यस टीम नंबर 14 का लास्ट मैन नया लाइव है जो कि ऑफलाइन है, अगर आप लोग टीम देख रहे हो देन यू कैन गेट दिस गाइड, अदरवाइज आप लोग इसको छोड़ के जाओ जोन के अंदर जाओ, फिलहाल वैसे जोन से मर जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, आपको आपका किल पॉइंट्स मिल गया, देयर इज मोर देन एनफ। और इधर देखते हैं और कोई टीम्स रोटेशन के अराउंड कैचअप होगा कि नहीं। हाइपर एक्स देनी थे जो कि जोन के अंदर ही हार्डली जोन के अंदर गाड़ी बने के लूट रहे थोड़ा बहुत, और बाकी जो हाइपर एक्स के बंदे हैं जो कि है बिल्कुल सेंटर में, थोड़ा स्प्रेड है बट कोई नहीं, दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। स्ट्रॉम के साथ क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों लूट बूट दे रहे हैं, ग्लिच भी छुका है क्या, ऐसे दिख के लग रहा है भाई दोनों के दोनों वॉल के अंदर है या फिर ऑफलाइन है, पता नहीं क्या सीन है उनका। बाकी ये जो टीम है अपने लास्ट मैन को ढूंढने की कोशिश, डार्क किलर जो है ओके फाइन, दे आर फाइनली मूविंग अराउंड, वो लोग रोटेट कर रहे हैं जोन के अंदर। और इधर एक छोटा मोटा फाइट
देखने में लगता है बट मीनामार है बहुत ज़्यादा स्पेस है, जब सामने जाने तब देखते हैं बंदे घर के अंदर बैठे तो पॉइंट ही नहीं बनता। Thank you.
टीम नंबर 11 के चार बंदे कूद गए टीम नंबर 6 के ऊपर एंड टीम नंबर 6 बिल्कुल हिल विल करके आई डोंट थिंक नी क्वालिटी है टीम नंबर 6 की तरफ से। और नी क्वालिटी की बात करेंगे तो नी क्वालिटी बहुत ही दूर है फिलहाल, तो आसपास भी नहीं है, तो अपने टीममेट को खोते हुए टीम क्वालिटी इस जोन के अंदर है। इधर और एक बंदा नॉक है विच इज फ्रॉम टीम नंबर 15, इधर फाइट हो रही टीम नंबर 15 वर्सेस टीम नंबर 5 मोस्ट प्रोबेबली यस देनी थेडोरा है टीम नंबर 5 और टीम नंबर 15 है। इधर टीम नंबर 6 की बात करेंगे तो ये रहा 6 थोड़ा बहुत पीओ भी आ रहा है, कॉस्मिक पवाली ने नॉक कर दिया है किसी को, लेट्स सी किसको नॉक किया है। उसके बाद जाएंगे तो ये रहा अपना टीम नंबर 15 का जो बंदा नॉक था उसको ये मिल रहा है इजिली, और इधर भी दो तीन नॉक है विच बिलोंग्स टू एक्सटी रैकर उसको ये मिल गए आते आते, और सामने जा रहा है टीम नंबर 7 टीम नंबर 7 का दो बंदा ज़्यादा एक बंदा थी इधर फिनिश किया उन लोगों ने, और टीम नंबर 18 आफ्टर फुल ट्राई कर रहे हैं टीम नंबर 7 को रोकने के लिए 13 बंदे लगे, और इधर भी दो बंदे नॉक है विच बिलोंग्स टू टीम नंबर 15 का जो बंदा एक रेड देने आया था वो बंदा खुद नॉक हो गया, उसके बाद बंदा नॉक हो गया और एक बंदा नॉक हो रहा है इधर फिलहाल स्प्रे आ गया है फ्रॉम नंबर 15 भी स्प्रे दे रहे हैं 5 भी स्प्रे दे रहे हैं, तो टीम नंबर 15 गॉट 15 ओके 15 स्पेस फाइव दे रहे हैं बट 15 ऑन द अदर लिमिट हो गया जेनिथ हाइपर एक्स हो गया नॉक फ्रॉम टीम नंबर 15, और उधर से टीम नंबर 6 का थोड़ा बहुत आ रहा है स्प्रे आ रहा है बट वो इतना मैटर नहीं कर रहा फिलहाल, टीम नंबर 15 वर्सेस टीम नंबर 7 इधर फाइट हो रहा है, और इधर और एक बंदा नॉक फिनिश हो गया बाय व्हीकल एक्सप्लोजन इसी टीम का है। मामा आर्ट को दे दिया है नॉक एट सम पॉइंट, और साथ साथ फिनिश भी दे दिया विद हेल्प ऑफ ग्रेनेड फ्रॉम टी टू एस फेथ ने मामा आर्थ को फिनिश दिया है। अगर उनके बात करेंगे यस मामा आर्थ इज फ्रॉम दिस टीम 4 और उसको जो फिनिश दिया है वो है टी टू एस के बंदे टी टू एस यारा, और वो लोग चार बंदे अलाइव हैं और उनके सराउंडिंग में दो टीम्स थे एक्स टी जेड किड फॉर यू। हम लोगों ने देखा था पिछले टूर्नामेंट में जेड किड ने एक 1v4 किया था ओके इस टूर्नामेंट पे उनका परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकते हैं बट लास्ट टूर्नामेंट पे उन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और देखते देखते नेक्स्ट जोन भी बन गया है, अब इस जोन के बाद आई डोंट थिंक मोर देन 20 प्लेयर्स अलाइव हो पाएंगे और मोस्ट ऑफ द टीम्स आर आउट इन दिस जोन, सबको रोटेट करना पड़ेगा जोन के अंदर। इस टीम की बात करेंगे तो एक एक करके हर एक टीम का म्यूटेस करेंगे रोटेट जोन के अंदर रोटेट करते हुए गाड़ी से जाने की ट्राई भी करेगा फिर भी गाड़ी को तोड़ के उनको नॉक करने के भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहता है। और दूसरी टीम की बात करेंगे तो ऑलरेडी एक टीम रोटेट करना चालू कर टीम नंबर 10 है जो कि जोन के अंदर है फिलहाल, टीम जोन के अंदर जो बिल्कुल अपने टीम नंबर और पता नहीं क्या कर रही है इसके साथ जिगल होगा पता नहीं व्हाट इज इट डूइंग ओके सामने तो कोई नहीं है स्प्रे प्रैक्टिस कर रहा होगा, और प्लेजोन से नॉक हो गया स्टॉर्म कमर्शियल, और स्टॉर्म कमर्शियल की बात करेंगे तो यार रहा भाई ऑफलाइन है बंदा भाई अब तक दो बंदा ऑफलाइन मिल गया और वो लोग अगर देख पाते ऐसे ऑफलाइन प्लेयर्स दे कुड स्कोर इजी किल्स। इन्वर्टर को स्प्रे दिया बट कोई रिएक्शन नहीं हुआ, इन्वर्टर की बात करेंगे तो दे आर रोटेटिंग बिल्कुल अपने मॉन्स में रोटेट कर रहे हैं पीछे स्प्रे आ रहा है स्ट्रॉन्ग कमर्शियल फिनिश हो गया है ऑफलाइन है बंदा दो ड्रॉप की बाजू में से जा रहा है टीम नंबर 12 एंड टी टू एस के बंदे बिल्कुल चार गाड़ी से जा रहे हैं ताकि एक व्हीकल एक्सप्लोजन से चार बंदे ना फिनिश हो गए, और अंदर में बैठे हैं टीम नंबर 7 के बंदे जो कि आराम से उनको कैप्चर करने की कोशिश बट कोई भी नॉक सक्सेस नहीं हुआ। गाड़ी को बिल्कुल व्हीकल एक्सप्लोजन से हम लोगों के सामने क्लच बोर्ड को दे दिया है जो कि है 48 के बंदे हसलर को दे दिया है हसलर है इधर ही करते हैं वो ये रहा
और उसके टीममेट की बात करेंगे तो इन्होंने बस 16 का टीममेट दिया रहा, तीनों 16 पीछे से M4 विथ चिपटेक्स और हसनर को फिनिश दे दिए है बोबो आईटी ने। ऑक्सीजन को T2S जोर्डर को दे दिया है ना, T2S जोर्डर के बाद जाएंगे तो जाते जाते उसको फिनिश भी दे दिया है अभी बॉट एक्स ने विथ M24 भाई। बंदे की बात जाते जाते बंदा गायब हो रहा है, इतना गर्म माहौल है फिलहाल। मीरामार है, रेगिस्तान है, पानी नहीं उजालवा बग्गी बट स्प्रे दिया, कनेक्शन नहीं हुआ। अभी हर एक सराउंडिंग में दो तीन टीम जाते रहेंगे और अभी फिलहाल मोस्ट ऑफ S1X को दे दिया है नॉक और बहुत ही जल्दी फिनिश भी दे देगा। इधर टी नंबर 15 के ऊपर दो तीन टीम का नजर है, टी नंबर 3 है क्लोजेस्ट टू देम और टी नंबर 11 का दो बंदा दो तरफ से आ रहा है जोन के अंदर, एक बंदे को ऑलमोस्ट नॉक कर दिया है, दूसरा बंदा अभी देख के बैक गियर लगा के जा रहा है। टीम नंबर 12 बिल्कुल जोन के अंदर रह के अपना फुल एडवांटेज ले रहा है। टीम नंबर 4 इस स्टेजिंग और टीम नंबर 11 का जो बंदा है वो नॉक हो गया है, दूसरा बंदे को वेहिकल एक्सप्लोजन से नॉक कर फिनिश कर दिया है। वेहिकल एक्सप्लोजन से नॉक नहीं होता, फिनिश होता है। टीम नंबर 16 वर्सेस टीम नंबर 10 हो रहा है, टीम नंबर 16 के बंदे को नॉक कर दिया, दो बंदे हैं, एक बंदा नॉक ऑलरेडी, लास्ट में आना है दैट इज फ्लेम ओपी एंड ओपोनेंट टीम नंबर 10 के क्या कर दिया। टीम नंबर 10 इज ओवरवेलमिंग टीम नंबर 16 और टीम नंबर 16 को यस लास्ट में अलाइव है, मोस्ट प्रोबब्ली अभी इलिमिनेट हो जाएगा एट द 9th पोजीशन। और दूसरी टीम्स की बात करेंगे तो भाई हवा की तरह गायब हो रहे बंदे, इरा टीम नंबर 16 लास्ट में अलाइव है, बिल्कुल कोपचे में बैठा है कवर ओवर बना के स्मोक करके, नेक्स्ट जोन बन गया है इमीडिएटली। और जोन के अंदर सिर्फ एक ही टीम है विच इज टीम नंबर 7, घर के अंदर है, जोन के अंदर है, बेस्ट पोजीशन है, चुपके रहो, लास्ट मोमेंट पे निकलो और मार के चिकन निकालो अपना, चिकन का ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं तो हमेशा गो फॉर द चिकन। ऐसा है कोशिश हमेशा फ्रंट टायर को कनेक्ट करने की ट्राई करो तो पूरा गोली बंदे के हेड पे जाएगा। बहुत सारी टीम से एक एक बंदा दो दो बंदा जिंदा है और ऐसे बहुत ही कम टीम है, आई थिंक यस यार आज वो टीम जिसके बाद चार बंदे अलाइव है एंड चारों के चारों बिल्कुल हेल्दी है, फुल हेल्थ के साथ चौर में है। और एक टीम है ये जो टीम नंबर 10 है वो भी चार बंदे अलाइव है चौर में है और टीम नंबर 12 की तरफ से तीन ही बंदे हैं। टीम नंबर 15 S1X सैड जो है वो अपना नंगा होके बिल्कुल सर्वाइवल मोड में चला गया। CR1289 को दे दिया है नॉक विद द हेल्प ऑफ कार 98 और उसका टीममेट एक ही टीममेट है जो कि आके रिवाइव देने की कोशिश एंड रिवाइव दे रहे हैं बहुत इजीली, जोन के अंदर एच पे है, इजीली मिल जाएगा। बाकी टीम नंबर 9 कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर दिस पर्टिकुलर टीम और हाथ में है 2x विथ 2x बहुत ही 2x 3x बहुत अच्छा काम करते हैं विथ 7mm वेपन अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। और NFX फ्लैश फ्लेम ओपी है, लास्ट मैन फ्रॉम देयर टीम सर्वाइविंग, जब मर जाएगा उसका टीम उसी पॉइंट पे इमिनेट हो जाएगा। और इधर से थोड़ा बहुत किल उठाने की कोशिश टीम नंबर 10 के पास स्कोपिन किया फायर सुनते ही, बट नो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। टीम नंबर 10 फिलहाल जोन के अंदर ही एच पे है एंड ये जो टीम रोटेट कर रहा है टीम नंबर 16 का लास्ट पॉइंट अलाइव वो उसके पास पे आ रहा है बट कोई कनेक्शन नहीं हो रहा, रिच का कवर है बहुत ईजी और जोन फिलहाल क्लोजिंग हो रहा है एंड जोन के बाहर है। KCC के एक बंदे को नॉक कर दिया है, KCC के पास जाएंगे तो यहाँ अपने PW के अंदर जो टीम नंबर 10 की तरफ टॉप 16 से 18 बंदे और लास्ट जोन है। इस जोन के बाद भाई अपना कॉम्पिटिशन निकल जाएगा कौन इधर से सर्वाइव करेगा और किसको मिलेगा चिकन डिनर। और ये अपना सेकंड मैच है, KCC कॉस्टिक को दे दिया है नॉक, वायरस को दे दिया है नॉक। कॉस्टिक के पास जाएंगे तो देख सकते हो लास्ट मैन अलाइव फ्रॉम कॉस्टिक इज रूटेस ओपी, रूटेस के पास जाएंगे अपना टीम नंबर कौन सा 9 की रूटेस, यार रूटेस लास्ट मैन अलाइव है बहुत दूर है, आई थिंक वो अपने टीममेट के लिए दे पाएगा कि नहीं दे, ऊपर से देखने की ट्राई करेंगे तो आप देख सकते हो वो बंदा भाग रहा है अपनी टीम से। और टीम नंबर 10 है सामने जहाँ पे जा रहा है उसकी कोलिशन कोर्स पे टीम नंबर 10 है और टीम नंबर 9 बिल्कुल एक एक करके हर एक बंदा नॉक फिनिश हो रहा है। टीम नंबर 10 के दो बंदे अलाइव है एंड बाकी दो बंदा ट्रेड ऑफ हो गए। टीम नंबर 7 है, 12 वर्सेस 7 वर्सेस 10 हो सकता है और इधर टीम नंबर 18 अपने ही जोन में है मौज कर रहे हैं। टीम नंबर 9 एट द टाइम टीम नंबर 10 दिक्कत दे सकते हैं उनको।
बेस्ट पोजीशन मैं बोलूंगा टीम नंबर 18 के पास है, कोई ओपोनेंट नहीं है, आराम से चील कर रहे हैं। और टीम नंबर 12 और टीम नंबर 7 अपनी फाइट में एंगेज है एंड ट्रेड ऑफ हो रहा है, नॉक फिनिश कर दिए टीम नंबर 7 की तरफ से। और 7 का लास्ट मेडल लाइफ है जो कि है BMX D-Drag। नॉक हो गए हैं लास्ट मंडल लाइफ, दैट इज रूतेस ओपी जो कि पहले नॉक था। लास्ट मंडल लाइफ बिल्कुल जोन के बाहर से रिंग रिंग के आ रहे, बट आई थिंक एक छोटा सा स्प्रे आएगा हम टीम नंबर 10। टीम नंबर 10 एक्सपोज है, देख नॉक किया है और पीछे से स्प्रे आ गए हैं, कवर पर आ गए हैं। एक कवर फायर ने अपने दो बंदे को बचा लिया है, बट लेट्स सी रियप दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। सामने टीम नंबर 18, टीम नंबर 18 प्ले वेरी क्रूशियल रोल एंड AXD का बहुत ही चिकन मिलना लाइक 100% है। अकेला ऐसा ओपोनेंट है जो कि टीम नंबर 10 12 अगर मिलकर फाइट लेंगे तो ही होगा, बाकी आई थिंक जैसा सिचुएशन है टीम नंबर 10 एंड टीम नंबर 12 खुद से ही फाइट करेंगे और बीच में से AXD आएगा आके मॉच करेगा थर्ड पार्टी के तौर पर। ग्रेनेड स्मोक हर एक चीज का अपील हो रहा है इधर एंड TGS टूना को दे दिया हेड नॉक एंड वो टीम भी एलिमिनेट हो जाएगा। यस वो लास्ट में अलाइव है डार्क यूनो एंड इसके ऊपर थोड़ा बहुत कनेक्शन हो रहा है, 0-2 में एक गेम कनेक्शन एंड दिस टीम इज हैज बीन एलिमिनेटेड। और 18 के बाद जाएंगे देखेंगे चार बंदे अलाइव है, दो बंदे नॉक हो गया लास्ट में अलाइव, दैट इज अभी बॉट एक्स और 10 जैसे कि बोल रहा था 18 बिल्कुल मॉच करेगा थर्ड पार्टी के नॉक फिनिश भी कर देगा। यस असल के बंदा मर जाएगा एक ही सेकंड में, बाकी बंदे भी आ रहे हैं एक एक करके। लेट्स सी द पीओवी फ्रॉम द अपसाइड और आप देख सकते हो टीम नंबर 18 फिलहाल टीम नंबर 12 के ऊपर थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन दे रहे हैं एंड बहुत ईजी है 18 के लिए। 1v2v3 फाइट है, मिली आ रहा है धीरे धीरे जोन के अपने टीम मेट के पास, बट आई डोंट थिंक मिल सक्सेस एंड देख सकते हो आप इधर टीम नंबर 12 के बंदे नॉक कर दूसरे बंदे को भी बहुत ही डैमेज करते हैं लाइक 0-2 कर दिया है। टीम नंबर 18 बिल्कुल आपके लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा किल्स पहले इनिशियल स्कोर नहीं किया बट लास्ट मोमेंट पे इतना ज़्यादा किल्स उठाए कि सब कुछ रिकवर होके बंदा चिकन डिनर की उम्मीद पे, उम्मीद क्या भाई मिल जाएगा ऐसे सिचुएशन पे हमेशा, मतलब बिल्कुल इट्स लाइक सॉल्ट एंड वाटर। और ज़्यादा ही ओवर एग्रेसिव होके पुश कर दिया था, वन वन किया एंड दूसरे बंदे को पिकअप कर दिया। नाउ देख सकते हो इधर टीम नंबर 18 बिल्कुल टीम नंबर 18 ने एलिमिनेट कर दिया है और टीम नंबर 18 का ओ माय गुडनेस व्हाट ए चेंज ऑफ कोर्स। जो टीम सबसे दिक्कत में था 0 HP पे सर्वाइव किया था, वो टीम एक परफेक्ट ग्रेनेड कनेक्शन के साथ चिकन उठा लिया लास्ट मोमेंट पे। बहुत ही बढ़िया गेम प्ले था फ्रॉम टीम T2S, एब्सोल्यूट टीम वर्क, एब्सोल्यूट प्रेडिक्शन, एब्सोल्यूट गेम सेंस, सब कुछ ही उनका बढ़िया था। लास्ट मोमेंट का जो ग्रेनेड कनेक्शन था बहुत ही बढ़िया था, फॉर विच टीम नंबर 18 गॉट एलिमिनेटेड एंड उनको मिल गया चिकन। चलो अपना सेमीफाइनल्स फॉर ग्रुप ए हैज बीन कंप्लीटेड, अब नेक्स्ट मैच है आई थिंक 3 बजे। लेट मी लुक एट द शेड्यूल, यस नेक्स्ट मैच है 3 बजे, 2:45 को IDP देंगे, 3 बजे मैच है। अभी आई थिंक 3 एंगल खेल सकता हूँ, ये हो जाएगा हो जाएगा। सी का बना लो, बी का बना दूंगा भाई, क्या टाइम लगता है यार बोल। हाँ नहीं वो कौन सा, अरे भाई लगता है भाई, बंदे ढूंढने में मेहनत लगती है। मेरा तो आ जाता 15 से 20 मिनट में, मैं भाई फिर लाइव स्ट्रीम खोलना पड़ता है मेरे को। पहले टीम्स का नाम लिखो, उसका पोजीशन पॉइंट्स लिखो, फिर उसका किल पॉइंट्स प्लस करके बना लो, फिर टॉप 8 ऐसा नहीं होता। लो कैसे होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है ना, आपको मतलब टीम का नाम लिखना पड़ता है, बंदे का नाम लिखना पड़ता है, ठीक है, सारी टीम का पहले, फिर उसके बाद पॉइंट चढ़ाने के टाइम पे आपको ऐसा नंबर वाइज चढ़ा सकते हैं, जो फर्स्ट आया उसका वो मतलब कितने किल से वो उसके साथ ऐसा। बट प्रॉब्लम इसमें होता है कि वो बंदा किस टीम का, ये ढूंढने में प्रॉब्लम होता है। हेलो विराट भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक यू ब्रो फॉर जॉइनिंग आवर स्ट्रीम।
बाद आया रे, एग्जिट करो। एक मैच खेल के खाना खा के ना के आऊंगा, फिर टीम बंद कर दूंगा, नया स्ट्रीम स्टार्ट करूंगा। जाना है? हेलो। हाँ बोलो। कहाँ जाना है भैया? बोलो रिकार्ड बर्तला ना। हाँ नहीं नहीं जगह मिराडो गाड़ी है। नोबो चले या फिर मिलिट्री कोचिंग? अरे मैंने हाइड किया था, ये नकली बंदा आ गया भाई। कल तो क्रिएट ओपनिंग करने वाला है इसका। हाँ 360 सीसी का गाड़ी का लोड़ा। हाँ आ जाएगा भाई, गाड़ी का स्टिकर आराम से आ जाएगा। कितने में आएगा ये बताओ ना। नीक मॉग का काफी तो मैच खेलो ब्रो। अरे ब्रो आई हूँ अभी मैं और आप तो खेलते ही नहीं हो ब्रो। अब कमेंट पे आ भी आए हो और मतलब बहुत दिनों बाद आपका नाम देखा हूँ मैंने, पहले आते थे आप? इतना पैसा नहीं है भाई, 30,000। ओ भाई भाई टिकट तो चाहिए चाहिए। बारिश हो गया बंदे का इधर। गन भी नहीं मिला भाई। नोएस भाई चार नंबर में प्लीज भाई ऑफ करो। भाई भाई अभी पकड़ लेता, बैरल था उसके हाथ में, मैं लेट गया, उसका चोक हो गया। बताओ भाई गन नहीं मिल रहा इधर। बास का गांड यूज कर लो। गंदा बच्चा। बास दे देगा भाई। अच्छा अच्छा अरे फटा हुआ है क्या मतलब? चले गए नहीं जी भाई। बास भाई क्या सुन रहे भाई आपके बारे में? भाई सामने आ जाओ। मेरा किल चोरी कर लिया रे। ओ भाई तो हो गया, अब तो जो मार मारो इसको। बॉट है क्या? क्या कर रहे भाई बंदे? लूट रुक जा भाई। बॉट आ गए उसके एसएस के, मेरे हेड मार दिया तीन चार एक साथ, बस मार दिया मेरे ऊपर। हेल्थ है? बताओ इधर गन नहीं मिला इधर। बॉट भाई गन वन लेके आ रहे हैं। हेल्प आ जाओ मेरे। मैं क्या बोलूं भाई, कुछ नहीं कर पाया मैं। मैं देखा फायर आया, मैं बिल्कुल अपने फुल पोटेंशियल पे। बॉट ने नॉक किया फ्लेक्स? हाँ बॉट था वो, क्योंकि वो मारने के बाद किसी और डायरेक्शन में देख रहा था एंड मुझे फुल किल नहीं किया। बंदा होता तो आराम से फुल किल करता। आप एक बार करके तो देखो फिर बताना खेलता हो कि नहीं खेलता हो भाई। हम लोग लाइव मतलब गेम इसलिए खेलते ताकि कोई लाइव स्ट्रीम पे आए, तो लाइव स्ट्रीम पे नहीं आओगे भाई तो कैसे खेलेंगे बताओ? लाइव स्ट्रीम पे आओ, कमेंट करो, फिर देखो भाई, फिर बताओ। अगर नहीं खेला फिर बताना।
डेली बंदे खेलते हैं भाई लाइव स्ट्रीम की तरफ से, लाइव स्ट्रीम करते हैं। बंदा है कैंप कर रहा है कहां पे भाई, कैंप कर रहा है ये, मारा नहीं भाई साला, भाई भी है साला भी है। हाँ ऐसे क्या है भाई, ओ भाई भाई अरे मतलब उसका भाई मेरा साला बहनचोद दिमाग भाई कितना जल्दी कवर करता हुआ है। मुझे तो एक तो मौका दो यार, मुझे लगता है बंदा ट्रॉल कर रहा है मेरे को। छोड़ो भाई तो यार पाकिस्तान से मौका मौका पाकिस्तान क्या नेशन क्या है मौका मौका भाई पूरा गाना है भाई नहीं पता भाई भाई मैं रिस्टार्ट करके आ रहा हूँ जब कुछ नहीं ड्रॉप हो रहा है। क्रिकेट नहीं देखते ना इसलिए भाई तुम्हारा तुम्हारे फैमिली का मूड डिपेंड होता है क्रिकेट पे। तुमको देखना ही पड़ेगा। नहीं मैं अच्छा भी लगता है ऐसा नहीं, मैं वैसे अच्छा लगने वाली चीज़ है, बचपन से देख रहा हूँ। हाँ बचपन से देख रहा हूँ। ओके मेरा अभी बैंड हुआ है 13 को खेलूंगा। ओ भाई बंदा बोल रहा है उसका बैंड है अकाउंट 13 को खेलेगा, बहुत बढ़िया सही है भाई। कैसे हुआ भाई बैंड, अपना स्टोरी शेयर करो हमारे साथ, आपने कौन सा हैक यूज किया था? अरे फ्लैश मतलब ज़्यादा देर यूज़ कर लेते क्या, ब्रूटल लेना चाहिए? नहीं ब्रूटल ऐसा थोड़ी ना है कि ब्रूटल बैन नहीं, ब्रूटल ब्रूटल बैन होता है, रॉयल चीट बैन नहीं होता, नहीं होता रॉयल चीट बैन फ्लैश लगाने पे। ये क्या होता है ब्रूटल होता है? हाँ अरे ब्रूटल हैक में क्या होता है ना, फ्लैश लगाते ना तो बैन कर देता है वो, बट वो रॉयल चीट लेने पे नहीं करता, ARS मॉड वाला जो होता है। इतना नॉलेज दे रहे हम लोग, मां का भाई कौन है रिमेडी है ये भाई, गन दे दो रे मेरे को, ग्रेनेड आया जी बंदा क्या दे दो बंदूक। बास को बंदूक चाहिए, बंदूक का इंग्लिश आओ आओ मेरा बंदूक ले लो। कौन सा लोगे? मेरा बंदूक ले लिया। लंबा लंबा वाला छोटा वाला मुझे नहीं पता भाई क्यों बैन होता है। बंदे चुप, मोस्ट ऑफ द टाइम डीपी हैक करने पे बैन होता है भाई, जितना तक मुझे पता है। ए, बोलो ना कौन सा वाला बंदूक लोगे, बड़ा वाला छोटा वाला? बड़ा है क्या तेरा बंदूक? हाँ है डीपी है भाई, नहीं चाहिए डीपी वाला है ना। गोल्डी भाई मेरे पार्टनर में कौन है? गोल्डी भाई ओ भाई क्या हागा मैंने, अरे इसको तो बंद कर। ओ भाई मैंने हागा भाई, कर क्या रहा था? इसमें एक छोटा सा बंदूक है चाहिए क्या जी, आपके साइज जितना? नहीं भाई ये तू ही रख ले, तुझे शोभा देगा। नहीं मेरे पास बड़ा वाला है। आप मेरे केडी भी चेक कर सकते हो, मैं नॉर्मल प्लेयर हूँ ब्रो। देन पता नहीं भाई, ओ भाई बंदा आया, बंदा आया। अरे छोटे बंदूक से मारोगे तो नहीं मरेगा, बोल रहा हूँ मेरा बड़ा बंदूक लो ना। रुक जा ब्रो, कैंपर ले लेता हूँ। हाँ एक बंदा और है। हाँ मैं बोल रहा हूँ एक बंदा और है। अरे मेरे मैंने पहले बोल दिया भाई। नहीं भाई मैंने मैंने एक बंदा कंफर्म है भाई, देखो ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, बात नहीं सुनता बाज भाई। कल एक बंदा बाकी है, मैंने पहले बता दिया बंदा बाकी है। आप सब एक ही वक्त चीज़ करो सब। होल्ड हो गया। हाँ वही बैच भाई, कुछ नहीं मिला भाई। बाजी जरा छोटा वाला बंदूक देता हूँ, इधर 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 कपड़े फुल फुल कपड़े छोटा बंदूक देता हूँ। कॉल है मेरा कोई नहीं भाई, आई बिलीव यू ब्रो, केडी बेडी चेक करने की जरूरत नहीं है। हैक यूज़ नहीं करते हो या फिर आप यूज़ नहीं करोगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन आईडी गेटिंग बैन, क्योंकि हैक
एक लेवल के बाद भाई मेंटेलिटी के बात हो जाते हैं। अगर आप चाहते हो तो भाई हैक यूज कभी भी कोई भी हैक यूज कर सकते हैं, आपकी चाहत पे वो डिपेंड हो जाता है। या बात क्या काल्टू कौन है उसका नेशन में? मेरा तो एक नंबर पे आने का कोई चांस ही नहीं है अभी। जब तक आईपैड नहीं खरीदे तब तक चांस नहीं है। आईपैड खरीदने के बाद अच्छा नेटवर्क लगाने के बाद फिर, अभी तो अगर 10 मैच होता है तो 9 मैच में काल्टू आ गया था। अभी आ जा ग्रेनेड कर दो। बॉट ने नॉक किया उसको, उसके ऊपर आएगा ना प्रोहिबिट एंड नो का ऑप्शन? नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। रिवाइव दे दिया ना। क्या कर रहा है ये देखो। अरे उसका कॉल आया बैठ के तो कॉल रिसीव कर लेता। ओ भाई किधर बैठा है वो देखो। स्क्रीनशॉट लो, बोलो ओपी कैंपर। हाँ चलो चलो आएगा। नहीं उसके पास कार है। ड्राइव करो मैं गैस डालता हूँ। हैक यूज करके भी फायदा ब्रो, नॉर्मल खेलने में मजा आता है। हाँ यही चीज़ है ना, ये तो लोग समझते नहीं है भाई। कोई मजा नहीं आता ना अगर आप मतलब खेलने आए हो, क्या करने पता नहीं चलता। भी और गाली तो अलग से पड़ती है, बद्दुआ लगती है। बंदा बंदा सामने फुल स्पीड पे जा, गाड़ी पे जा रहा है। हाँ गाड़ी पे, पीछे गाड़ी के पीछे। क्या था उसके पास? MG3 था क्या? था नहीं, कुछ बड़ा सा गन दिखा रहे थे। हेलो 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 हाँ तुम मर गए लेने। ओ बहन चोद, ओए मैं 1 HP कैसे? अरे बहुत आया था, मार दिया उसको। हाँ स्टीम पे जाके देख लो बॉट कौन था। कोई तो था भाई। ग्रेनेड क्या होगा बहन चोद? रिवाइव दिया फिर मेरे को पता है। कौन हो सकता है, गैस कर लो। ये बात भी थे और क्या, रिवाइव दिया बहन चोद फिर। बस थोड़ा स्कोप दो, 8x देता हूँ एमके के लिए। हाँ उनके छोटी चीजें मिल जाएगी आपको। अच्छा चलो तुम्हारे पास 8x है, चलो चलो लो लो। नहीं छोटा स्कोप है तो दे दो। अरे हाँ उनके सारी चीजें छोटी है भाई, उनके सारी छोटी चीजें मिल जाएगी। रेड डॉट फेंक दिया मैंने उधर। 0 डॉट भी मिलेगा उनके पास, शौक है उनको छोटी चीजें का। चलो रेड डॉट लो फेंका। ड्राइविंग दो भाई, इसमें और चलो ये डैमेज है शायद उस पर। गैस उनकी गर्लफ्रेंड बोलती है वो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढती है। हाँ 1v4 खेला था TDM में बट बैन हो गया, दिमाग खराब होता है। हाँ यार अरे कोई बात नहीं भाई, नेक्स्ट डे 2-3 दिन में न्यू स्टेट आ रहा है वहाँ पे। अरे कल मैंने वो एक वो मीम्स में एक वो स्क्रीनशॉट डाला, देखा आपने? नहीं देखा, कौन सा वाला? अरे मैं उधर वो क्या बोलते चेयर पार्क में था, उधर एक बंदा फ्लैश लगा के भाई उड़ रहा है। हाँ पूरा फुल बैन हो गया उधर ही चेयर पार्क में। अबे डेड जोन पे गुणा हुआ देखो, इमा बिलाबा। क्या करना है? चलो बॉट है, बॉट है, अरे बॉट है। हाँ बॉट भी सकते हैं, उसी तरह बॉट ही है। अरे लेने आ जाओ भाई, यही थे। अरे तुम्हारे सामने गाड़ी है, तुम्हारे आंखों के सामने देखो, थोड़ा सामने जाओ। कोप है वो आ गया इधर। ओ भाई क्या लेग वाले चला गया। इधर अंदर मेन बिल्डिंग
तो चल मैं हेल्प किट लूंगा बास को तुम्हारा दिया भाई वो लोग गैस कैन लेके बैठे थे ट्रैप लगा चुम्मा नहीं छोड़ा नहीं बोलता स्ट्रीम पे भाई मेरा भाई याद आया सिम की अरे उसने पिन खींचा ग्रेनेड का मैंने क्या एक चूतिया सी गाड़ी छोड़ के आया भाई मेरे लिए चार पांच बार गिर गया लेफ्ट साइड पे शायद नेट करूंगा एक भी नहीं फोड़ पा अब चलो अब वो लोग पैनिक है बिल्कुल दोनों तरफ है ऊपर है इससे ऊपर है मेरा वेस्ट गया नहीं मिल रहा वेस्ट मिल गया एक लेवल वन का अबे यार नहीं है रुको मैं दूसरी बिल्डिंग में जा रहा हूँ ठीक है मैं मेन बिल्डिंग ठोक दूँ मेन बिल्डिंग की हाँ मेन बिल्डिंग में है थर्ड टॉप फ्लोर पे चढ़ जाऊँगा बोलो चढ़ जाओ मैं इधर से कवर देता हूँ एक नॉक निकालोगे तो उनका गन मार देंगे बास तो ही साथ में बास भाई गन मार सकते हो ना अबे रुक नहीं मरवाने का है तो। एमजी 3M आके तो संभल गया अपने आप भाई आप लोग तो चढ़ गए हाँ इसे तो बोल रहा हूँ आ जाओ आराम से छत पे क्या छत पे आएगा तो मारूंगा टॉप फ्लोर पे छत पे नहीं है टॉप फ्लोर पे मुझको पता है ना क्या जो बंदे भाई भाई ऊपर आना था एक को नॉक दे रहा हूँ ठीक है अरे फाइट इधर 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 था भाई मार सकता था अभी जस्ट मेरे पास वेस्ट नहीं है मैं किस हिम्मत से जाऊंगा अरे कौन आया भाई पागल के चार नंबर कूद गया वहां से मेरा ग्रेनेड छूट गया साला सर मैं तो कूद गया यार मैं नहीं जाऊंगा ये देखो भाई सीढ़ी पे आता तो सीढ़ी पे क्या है क्या ओके है सीढ़ी पे मेरा भी भाई गंदा टाइम है जाओ जाओ मैं हेल्प नहीं है फालतू लोग जाओ ना कोई भाई ये एक किल मिला चलो मिल गया गाड़ी है हेल्प लगो नहीं दिख रहा हेल्प की दो ना कोई एक भी नहीं है भाई इतना रगड़ने के बाद मेरा फुल खेल तो का एक हेल्प की दे दो कोई भाई कोई ना किसी ना किसी ने तो उठाया होगा छोड़ो भाई कवाने नहीं मेरे पास एक भी नहीं मैं बैंडेज लगा रहा हूँ यार ओके ओके कोई दे दो रे चलो चलो हो गया मेरा बैंडेज रगड़ लिया मैंने मान रहा चुट जल गया ले मदरी मदरी एक ही बंदा था तो भाई इसके पास भी एमजी से था यार दे दो ना उठाएगा हाँ हल्की दे इसके पास बहुत कुछ है भाई जो चाहिए वो उठा लो बंदी बोलो बड़ा वाला स्कोप भाई वो फ्लेयर गन किसी के पास है फ्लेयर गन नहीं एमओ मिला दो देख देख नहीं मिशन है क्या मिशन था वो फ्लेयर गन उठाना उधर था उधर कब का उधर
चलो नेक्स्ट मैच 3 बजे है ना, देखना फिर। जोन भाई सेंटर 9 बंदे से चलो रैंक पुश का डायरेक्ट लगा देता हूँ, फ्लैश हैकर तो नहीं दिख रहा, टाइम भी नहीं हुआ वैसे, आज रात को रैंक पुश का डायरेक्ट लगा देता हूँ। रैंक पुश? हाँ रैंक पुश भाई, तमीज से उतरी रैंक पुश का मतलब क्या है, सिर्फ तमीज से उतरेंगे बाकी तो नॉर्मल जैसे। हेलो मैं तो डायमंड में हूँ भाई। अच्छा है ना, ज़्यादा मजा आता है। अब वोट करवा दो पूछ के जाने से, दोनों को टैग कर लेना, फाइनल तो ऐसे भी कर ले, अगर मानते हैं तो कल 12 बजे के बाद ही होगा। 12 बजे इसमें ले लो बड़ा वाला घर जो है ना इधर बंद है, बाकी दिखा जा रहा है। 12 बजे से नहीं होगा तो सुबह के कल 10 बजे तक का वोट कर देना, आज रात को देंगे। हाँ इतना कम टाइम में तो मतलब नहीं ना, सुबह 10 बजे तक कर दो ना, 2 घंटा फिर भी बचेगा। लास्ट में एडिट करना है, एक टीम का स्लॉट खाली रखना, 12 बजे तक भी कर सकते हैं। एनिमीज अहेड, एनिमीज अहेड, एक स्लॉट खाली रख देना फाइनल का। एनिमीज अहेड, एनिमीज अहेड, दोनों में से किसी एक का ही होगा ना। गैस नहीं है भाई। एनिमीज अहेड, एनिमीज अहेड। हां ठीक है, और दोनों को टैग करके पूछ लो। चलो ठीक है, वो कॉन्स्टेबल ऐड कर दो, जरूर पोस्ट कर दो। हेलो गाड़ी, वॉच आउट, वॉच आउट, वो कर दो। हाँ कर लो कर लो, आप इधर बैठ के करो, मैं गाड़ी लेकर आया। आप ड्रीम इलेवन पे टीम बनाओ, आ जाओ। हेलमेट बेस्ट है, चाहे तो ले लो। लग गया या मार मार, क्या दिया उसको भाई। अरे लेटा हुआ, लेटा भाई, लेटा है। जस्ट मेरे यहाँ पे एक एचपी है, एक एचपी। ओके भाई, इतना डैमेज के बाद मेरे को दिख गया था, मेरे को दिखा था बट फायर किया। हाँ मेरा भी कनेक्ट नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, लास्ट में बहुत सारा गोली कनेक्ट हुआ मेरा हेड, फिर भी नॉक नहीं हुआ। एक गोली लगा, जस्ट एक गोली लगा। हाँ वही बोल रहा ना, मेरा हेड कनेक्ट हो गया था लास्ट में, दिखा बहन से दिखा, उतरते नहीं दिखा वो, क्या बंदा था भाई। गान मार देता भाई, आईपैड व्यू। मैं नीचे करके गोली चला रहा था, सारी गोली आ गई। और एक इधर ही है। I need attachments. I need attachments. हाँ बोल दिया भाई, इधर मार दे मुझे। Help! Help! Cut. हाँ और मारना है भाई, सब मार दिया किसने? कितने खराब भाई, रिवाइव नहीं दिया उसको। कौन नॉक था? 4 नंबर नहीं था, नॉक नहीं था, नहीं था, नॉक था, कोई नॉक, हेल्प हेल्प कर रहा बेचारा। हाँ नॉक था, आप पूछो। अच्छा 12 किल है बास का, किल तो गंदा चोरी। चलो मैं आता हूँ नहा के खा के। मैसेज आया, विशी आ जा।